गोड़िया मठ एक संप्रदाय कहलाता है। मठ नहीं नहीं गौड़ीय मठ संप्रदाय नहीं है, परंपरा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती परंपरा कह ठाकुर सकते का परंपरा है। हैं, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं, भक्त लोग भी कहते हैं कि गौड़िया संप्रदाय से हम लोग हाँ गौड़ीय इसे संप्रदाय और संबंध गौड़ीय रखते हैं। मठ में फर्क है ना, अच्छा, गौड़िया गौड़ीय संप्रदाय, संप्रदाय के नाम पर गौड़ीय मठ बनाया गया गौड़िया संप्रदाय के नाम है, पर, तो नाम पर गौड़िया, गौड़ीय मठ बनाया गया अच्छा गौड़िया संप्रदाय जो है वो ब्रह्म संप्रदाय ही कहलाता है, एक ही जी, बात ब्रह्म समुदाय का हिस्सा है हिस्सा है। जी। तो फिर जैसे संप्रदाय गौड़ीय का, संप्रदाय जो है, सॉरी ब्रह्म संप्रदाय जो है, दो हिस्सों में उसके दो लाइन है बड़े बड़े, जैसे कल भी बात हुई थी। एक है गौड़िया लाइन यानी कि जो बंगाल से आ रही है, दूसरी जो जुनूबी हिंदुस्तान में है, क्या नाम है, तत्ववादी संप्रदाय, वो जी मध्वाचार्य के तत्ववादी संप्रदाय। अगर आप कभी हिंदुस्तान आएंगे तो आप उडुपी जाएंगे, साउथ इंडिया, तो वहां पर कर्नाटका शायद, कर्नाटक में, तो वहाँ आपको मिलेगा। तो वो है करना, शुमाली हिंदुस्तान में, वो है आपका, सॉरी जुनूबी हिंदुस्तान में, वो है आपका ब्रह्म संप्रदाय का दूसरा बड़ी बड़ी शाखा है। इस तरह से बेसिक कई सारी चीजें एक जैसी हैं, सिर्फ जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं जब आ जाती हैं तो वो फर्क। ठीक है। और जी हाँ, अपने कृष्णलाल जी फरमाइए, माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए, माइक्रोफोन ऑफ है आपका, ये आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी जी। अक्षय, हाँ, थैंक्स। मैं 4 दिन से अपना ये प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ, बर्दाश्त कर और रहे मुझे सबसे हम आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा कि आप उर्दू बहुत अच्छी बोल रहे हैं और हमें उर्दू शुक्रिया। समझ आ रही है। और दूसरी बात, इस ग्रुप में मुझे बड़ी ये भी प्रसन्नता भी हो रही है, खुशी है कि हमारे हम शिक्षा गुरु माता प्रिया वल्लभा जी भी इसी में अटेंड करती है, और हम आपकी जो आपस में जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उसमें से काफी हमारी जो कंफ्यूजन्स थी वो भी हमें दूर हो रही है और समझने का हमें अवसर मिल रहा है। मैं एक चीज ये आपसे कहना चाहूंगा कि जो आम पब्लिक जो है वो शिक्षा गुरु से जो है इंस्पायर होती है और वो कृष्णा भावना में हो रही है, तो ये परंपरा तो अडॉप्ट करनी चाहिए जो भगवान की तरफ से जो आ रही है डायरेक्ट। जैसे सब सब जो हैं वो भाग्यशाली अर्जन जैसे नहीं होंगे, जो डायरेक्ट उनको भगवान से जो है ये ज्ञान प्राप्त हुआ, और जो गुरु परंपरा है वो ठीक है, थोड़ी समझ में भी अभी बात आई है कि ये गुरु परंपरा क्या चीज है, शिक्षा गुरु क्या है। तो इसमें रुकावट बहुत है, सबकी ये ख्वाहिश जरूर होती है कि हम शिक्षा गुरु से ही इंसार हुए हैं तो उस पे इतनी रेस्ट्रिक्शन क्यों है। आप जैसे जीपीसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें उनके होगा, तो मेरा ये है कि भले उस पे बाइंडिंग हो जाए कि जो जहाँ से दीक्षा लेकर आए हैं अब जब तक वो अलाइव हैं संसार में हैं तो मतलब वो शिक्षा गुरु अपना वो दीक्षा नहीं दे सकते, तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग पीरियड टाइप नहीं है कि जैसे ये हमारे जिनसे हम इंस्पायर है आपके इंडिया से, यहाँ सर्वभौम दास अक्सर पाकिस्तान में आते हैं और वो हमारी लोकल लैंग्वेज को भी समझते हैं, यहाँ की पब्लिक को भी हैं, और हमारी माता जी भी यही माता प्रिया भी कहती हैं कि वो मेरे भी शिक्षा गुरु हैं और यहाँ के दूसरे भी काफी जो प्रवचन कर रहे हैं। तो इसमें क्या बात, जब उनको कहा जाता है कि आप हमें दीक्षा दें कि नहीं भाई मैं तो दीक्षा नहीं दे सकता, हम माता जी को कहते हैं कि माता जी आप दीक्षा दें, नहीं भाई मैं आपको शिक्षा दे सकती हूँ, दीक्षा नहीं दे सकती हैं, तो कम से कम उनकी कोई एक जैसे रिक्वायरमेंट हो, भले वो गवर्नमेंट की वजह से कहा जाता है ना, ये एडहॉक किस्म की दीक्षा है आप कंफर्म तब करना, क्योंकि आपके दोनों बड़े लोगों की बातों में से हम आम जैसे जो नए लोग हैं ना इस उनको रहे ये बात समझने का हुआ है
कि वो घर में जैसे वो कहा जाता है कि मियाँ बीवी या माँ बाप के जो आपस की बातें हैं वो बच्चों को लड़ाई का समझ में नहीं होना चाहिए। तो अब माता जी और आपसे जो क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं तो उसमें हम ये समझते हैं कि भाई बड़ी एक स्कॉन, हम स्कॉन से बाहर के लोग हैं, वो बड़ी एक ऑर्गेनाइज्ड और बहुत बड़ी ये तंजीम है और इसको हम ज्वाइन करने से कम डिसिप्लिन हम सीख जाएंगे, किसी के चीज में आएंगे। तो थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो शिक्षा जो प्रवचन दे कर रहे हैं तो प्रवचन कालों मुझे मुझे अक्सर हमारे प्रेमी कहते हैं कि आप प्रवचन शुरू करें, माताजी मुझे कहती नहीं जब तक आप दीक्षा नहीं लोगे, 16 माला नहीं करोगे, 4 नियम का पालन नहीं करना है, तब तक आप कुछ काम नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी माला करते रहो और ये ज्ञान सुनते रहो पढ़ते रहो। चलिए आपने बहुत सारे मौजूदात आपने इकट्ठे छेड़ दिए हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ तो ये है कि जो शिक्षा गुरु है उसके लिए कोई आप अपना ऐसा ओपिनियन, इट इज माई बेस्ट ओपिनियन, सो आप समझे ये है कि उनसे इंस्पायर होते हैं, अगर वही हमें दीक्षा देंगे, हम अभी माता जी से या सर्वभौमा दास से व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज छोड़ देते हैं, वो हमें गाइड करते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता कि दीक्षा वो बोले अपने 100 में। अब क्या है कि उन्होंने बड़ा यहाँ कोई माला नहीं करता था, अब सबकी ख्वाहिश है कि हमें माला मिले तो वो माता जी के हाथ से मिले, हमें गीता जी अगर मिले तो वो हमारी ऑटोग्राफ किया हुआ सर्वभौमा दास या माता जी की उस पर सिग्नेचर होने चाहिए। तो ये दीक्षा भी थोड़ा इस तरीके कार को आप ठीक ठीक है, आपका आपका मौकिफ जो है आ गया, मैं समझ गया उस चीज को और या मैं समझ गया। अगर मतलब अगर अगर आप मतलब स्पिरिचुअल लाइफ का फिर कोई जवाब नहीं बचता एक्चुअली, अगर वो अटैचमेंट पे बेस ना हो। मैं आपकी बात बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ उससे और इन चीजों के बारे में आप पूरे कोर्स में रहिए, मैं समझता हूँ कि आपके राय में कुछ तब्दीली आएगी इस पूरे कोर्स को सुनने के बाद, तो थोड़ा सा इत्मीनान दीजिए। तो 4 दिन हुए अभी और बचे 8 दिन, तो अभी इस पर आप रहिए। मेरे लिए हालांकि ये बड़ा चैलेंज है, मैं 8 दिन में कैसे खत्म करूंगा ये मुझे पता नहीं, मुझे शायद और दिनों की जरूरत पड़े, बट एनीवे मैं आपके राय आपका जो मौकिफ है उससे मैं काफी हद तक मैं इत्तेफाक भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि कहाँ से आ रहे हो आप, जो कह रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है, क्या उसके पीछे बैकग्राउंड रहा होगा, पस मंजर भी मैं समझ रहा हूँ। तो इस बारे में और भी जैसे डिवोटिस का मैं रोज लगभग रोज ही मुझे फोन आ रहे हैं आपके यही से, पार्टिसिपेंट रोज ही एक दो लोग फोन करते हैं और बातचीत करते हैं, तो मुझे भी धीरे धीरे अंदाजा हो रहा है। तो मैं ये कहूंगा इस मेरी यही तजवीज़ है। अच्छा मैं एक चीज आपको क्लैरिफाई कर दूं, मैं कोई जीबीसी का नुमाइंदा नहीं हूँ, हरगिज नहीं हूँ मैं जीबीसी का कोई नुमाइंदा नहीं हूँ। मैं एक, एक एक टीचर की हैसियत से यहाँ पर अभी सेवा कर रहा हूँ। तो आप कोर्स में रहिए, धीरे धीरे जो है आपकी राय में भी तब्दीली होगी सभी की, मैं मानता हूँ कुछ तब्दीली आएगी, मुझे भी 2-4 चीजों से मैं भी मुखाते कहूंगा रूबरू हो रहा हूँ अभी मैं जो पहले नहीं था। चलिए आगे चलते हैं, फिर हम आपके साथ चलते हैं, आप देखते हैं क्या होता है, ठीक है जी। और शुक्रिया कृष्णा जी आपका, जी आपने अपनी राय अपने अपनी राय का इजहार किया, इसका बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। ओके सो देन हम कल जो थे हम पहुंचे थे प्रभुपाद फाउंडर आचार्य, और फाउंडर आचार्य प्रभुपाद के हिसाब से फिर हमने ये इस पे थोड़ी सी बातचीत करी कि शिला प्रभुपाद को इस्कॉन का फाउंडर आचार्य रहने के क्या फायदे हैं, और प्रभुपाद का इस्कॉन का फाउंडर आचार्य क्यों है बेसिकली। ये देख फायदे तो हमने अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, इसके बारे में अभी आगे बातचीत होगी। फिलहाल हमने ये डिस्कस किया था कि इस प्रभुपाद को शिला इस्कॉन के फाउंडर आचार्य क्यों है, बानी आचार्य क्यों है। अब जो है फिर उसके बाद हमने ये छेड़ा था, यहाँ पर जो है कल हम रुक गए थे प्रभुपाद आश्रय, तो जिसपे जो है कुछ सवाल जवाब भी हुए थे कि शुरुआत में जो है प्रभुपाद को कैसे इंट्रोड्यूस कराएं कैसे ना इंट्रोड्यूस कराएं। तो जैसे हम बात कर रहे थे जो प्रचारक है प्रीचर है कम से कम इस्कॉन के अंदर
उसका प्राइमरी जो है उसका 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 उसकी जिम्मेदारी है कि वो श्रील प्रभुपाद को जो है इंट्रोड्यूस आम आदमी से इंट्रोड्यूस करवाए और उसका भगवान और उनका भगवान के बाद कृष्णा के बाद तो प्रभुपाद से भी अटैचमेंट हो उसका। तो उसमें जैसे एक आध सवाल भी आया था उसके अंदर चल रहा था कि हम शुरू में कैसे करें, शुरू में तो हम जो जो उनसे मिल रहा है जो उनसे मुखातिब हो रहे हैं उसी के साथ उसका टच बनेगा, शुरू में तो प्रभुपाद से इतना टच कैसे बनेगा, प्रभुपाद सामने नहीं है। तो ऐसे तो हम यही बात कर रहे थे कि इसीलिए जो है डे वन से इस पे जो है तवज्जो खास तवज्जो दी जाए कि श्रील प्रभुपाद की किताबें इंट्रोड्यूस की जाए ताकि वो श्रील प्रभुपाद की तरफ आगे जाए। तो ये प्रीचर हमारे प्रीचर्स की, देखिए प्रीचर्स की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से रखता हूँ और जो आप सब हैं यहाँ पर आप गौर भी कीजिए और इस पर थोड़ा सोच विचार करके मुझे बताइए। मैं दो चार सवाल पूछता हूँ। अच्छा, ये जो श्रील प्रभुपाद की किताबें हैं क्या ये किताबें अपने आप में पूरी हैं? जी रोहिणी नंदन पूरी प्रभुपाद जी की जितनी बुक्स है वो अपने आप में पूरी है क्योंकि प्रभुपाद जी ने सब ज्ञान हम अपने शिष्यों के लिए हम सबके लिए दिया है। आने वाली पूरी किताबें किताबें श्रील प्रभुपाद की किताबें पूरी है। क्या श्रील प्रभुपाद की किताबें किसी को भगवत धाम ले जाने के लिए काफी हैं? जी हाँ अपने राम से खत्म हो जी। प्रभु जी एक पास नहीं में सुना है प्रभुपाद जी के कि प्रभुपाद जी के डिसिपल्स थे और कुछ पास नहीं कन्वर्सेशन हो रहा था तो कुछ पे प्रेस रिपोर्टर भी थे साथ में तो वो पूछ रहे थे कि ये बुक्स जो है सारी प्रभुपाद जी ने लिखी हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं मैंने नहीं लिखी है ये बुक्स, आई एम नॉट राइट दिस, कृष्णा हिमसेल्फ डिक्टेटेड मी, तो भगवान ने ये जो है स्वयं मुझसे लिखवाई है, मुझसे लिखवाई है। इससे ये बात सीधी होती है कि प्रभुपाद जो पुस्तक है वो स्वयं श्री कृष्ण ने जो है ना वो डिक्टेट की है और उसको पढ़ने से हमारा लक्ष्य हमको प्राप्त होगा और ये पूर्ण है। ठीक है दो तीन राय आई, मैं मान के चल रहा हूँ बाकियों की भी इसी तरह की राय, जो इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते जिनको इख्तलाफ है वो अपनी बात रखे, इसको इससे इख्तलाफ है वो अपनी बात रखे। हरे कृष्ण प्रभु, जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि सिर्फ बुक्स पढ़ के हम तब नहीं कर सकते, आगे तरक्की नहीं कर सकते, बिल्कुल हमें गुरु का आश्रय भी लेना पड़ेगा। बहुत अच्छा, ये एक बिल्कुल ये एक राय ये एक पॉइंट अपनी जगह पे जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट है और ये प्रभुपाद खुद ही बता रहे हैं, ये प्रभुपाद खुद बता रहे हैं। ठीक है जी, ये यहां से हाथ अपने आप में कंप्लीट है लेकिन हमें साधु संघ और गुरु की आवश्यकता जरूर है। ओके बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब ज्यादा कंप्लीट पिक्चर। जी बेला शर्मा जी हाथ खड़े थे, बेला शर्मा जी ने शास्त्रों के आधार पर है, रेफरेंसेस के साथ है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो शाला शरीफ प्रभुपाद की किताबें जो हवा में नहीं है उसके भी उसका भी जो बेसिस है उसकी जो तो उसकी जो बुनियाद है वो हमारे शास्त्र है तो उससे ठीक है। तो अब मेरा सवाल ये है, ये मोटा मोटा एस्टेब्लिश हो गया कि प्रभुपाद की किताबें अपने आप में संपूर्ण है, ठीक है उसके साथ गुरु साधु की भी जरूरत पड़ती है। अब मैं मेरा ये सवाल है अगर किताबें अपने आप में पूर्ण है तो प्रचारक की क्या जरूरत है? जैसे अब कई बार आपने देखा होगा कि एक भागवतम क्लास होती है, मेरे ख्याल से आपके वहां पर ऐसे ही होता होगा कि भागवतम क्लास होती है या गीता की क्लास होती है और तो संस्कृत का श्लोक पढ़ा जाता है जो भगवान ने बोली है और उसके बाद वो तात्पर्य पढ़ा जाता है जो प्रभुपाद ने लिखा है, ठीक है ना? ऐसा ही होता है आपके वहां पे भी? जी बिल्कुल, सर हिला देंगे तो दिख जाएगा। हाँ जी ठीक ओके चलो, तो फिर एक एक ही सिस्टम है। तो मेरा उसके बाद वो प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ने के बाद वो प्रीचर भी कुछ बोलता है क्या, उसके पीछे आगे बोलता है कुछ? जी बोलता है। मेरा सवाल है वो बोलता क्यों है, क्या वो किताब अपने आप में काफी नहीं है? क्या जो भगवान ने बोली और उसके बाद जो प्रभुपाद ने बोली उस पे उसके ऊपर उससे ज्यादा बताने के लिए प्रीचर के पास कुछ है क्या? हरे कृष्ण उससे आगे निकल गया। जी
अगर हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं तो उनके अनुभव के आधार पर हम प्रश्न पूछते हैं ताकि उसको उत्तर दे सके। बहुत शुक्रिया। इसका मतलब प्रीचर का जो काम है, दरअसल रामेगपुर ने जैसे बताया, इसका मतलब प्रीचर का काम ये है कि वो प्रभुपाद का जो तात्पर्य है उसको हम जिस अहद में रह रहे हैं उसके हिसाब से हमें समझाए। बिल्कुल, ये प्रभुपाद ये 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 क्या कहते हैं प्रीचर का काम है। अदरवाइज प्रीचर की कोई जरूरत नहीं है। प्रीचर की जरूरत ही यही है कि वो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों को जो है हमारे सामने खोल के दे। तो अगर आप प्रभुपाद आश्रय का मतलब, मैंने इतनी बड़ी बात जो इतना लंबा घुमा के इसलिए लेके आया ये समझाने के लिए कि प्रभुपाद आश्रय का मतलब ही है, वो प्रचारक का आश्रय नहीं ले रहा, वो प्रभुपाद का आश्रय ले रहा है, ये प्रचारक को देखने की जरूरत है। जो प्रचारक आज है कल नहीं है, और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे पाकिस्तान में जो मैं थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आ रहा है भक्तों से बात करके, तो पाकिस्तान में तो आप लोगों का ये तजुर्बा रहा है ना, तल्ख तजुर्बा रहा है ना, प्रचारक आज है और कल नहीं है। तो जो प्रभुपाद के साथ टिक जाएंगे वो तो टिक जाएंगे, और जो उस प्रचारक के साथ आए थे वो प्रचारक के साथ ही चले जाएंगे। इसीलिए प्रचारक को ये जानना बहुत जरूरी है अपने लिए कि देखो भाई मेरा अपना खुद का ठिकाना नहीं है, पर कम से कम मैं उनको प्रभुपाद से तो जोड़ दूं, मैं खुद भी अपने आप को प्रभुपाद से जोड़ूं और उनको भी प्रभुपाद से जोड़ूं। तो इसीलिए प्रभुपाद आश्रय जो है ये बुनियाद है, ये प्रभुपाद आश्रय जो है पहला स्टेप है गुरुपाद आश्रय का, पहला स्टेप। अगर आप प्रभुपाद को शिक्षा गुरु का औहदा दे रहे हैं, दर्जा दे रहे हैं, तो फिर ये लाजमी है और आप पे लाजिम है कि आप प्रभुपाद उन जिनको आप प्रचार कर रहे हैं वो प्रभुपाद का आश्रय ले सके, और वो प्रभुपाद का आश्रय जो है जुज्वी तौर पर नहीं, वाकई में कि उनकी किताबों के बुनियाद पर, उनकी उनकी शिक्षाओं से, उनसे जितना प्रभुपाद के, दो चीजें, एक प्रभुपाद की किताबें पढ़े और दूसरा प्रभुपाद के बारे में जाने, जैसे प्रभुपाद लीलामृत वगैरह किताबें जैसे प्रभुपाद के बारे में जानने को मिलता है, तो इससे जो है वो प्रभुपाद से, ठीक है। हम धीरे धीरे आगे जाएंगे, अभी अब आगे जाएंगे। तो फिर ये था प्रभुपाद आश्रय। अब अभी इसी के साथ जो है खत्म होते ही मेरा दूसरा सवाल जो बिल्कुल इसका उल्टा है वो ये है, ये प्रभुपाद आफ्टर ऑल एक शख्स ही है ना, तो ये एक शख्स से क्यों को इतनी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? क्या ये शख्सियत परस्ती नहीं है? ठीक है ना, कोई पूछ सकता है ना ये बात, हो सकता है इस कॉल में आपको आपकी जरूरत ना हो ये बात बोलने की कि ये मेरा जीना आराम कर देगा मैंने सवाल पूछ लिया तो, मगर बाहर से कोई जब आ रहा है तो वो तो पूछ सकता है ना सवाल कि भाई तुम्हारे यहाँ शख्सियत परस्ती होती है, एक ही जो ये शख्स है इसको तुमने इतना इनके तुमने मूर्तियां बनाई हुई हैं, गढ़ी हुई हैं, और इनकी पूजा भी तुम करते हो, सारा कुछ जो है इनके पीछे जो है, और जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद के नारेबाजी भी करते हैं आप, तो एक आदमी पे इतनी तवज्जो देने की क्या जरूरत है? क्या ख्याल है आपका? जी प्रभु जी, अपने आप में एक ना हो करके पूरी परंपरा को लीड कर रहे हैं और सबको कृष्ण तक लेकर जा रहे हैं। ओके, बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। रोहिणी नंदन प्रभु, हरे कृष्णा। एक नहीं प्रभु, बहुत से अनेक सिद्धांत है प्रभुपाद जी के लिए, क्योंकि वो एक नहीं अनेक है, गुरु परंपरा से जुड़े हैं और पूरे वर्ल्ड में प्रचार किया है, और साक्षात भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पेशन गोई की है उनके लिए, और साक्षात चेतन महाप्रभु ने कहा है कि ये हरिनाम संकीर्तन हर गांव हर नगर में फैलेगा, और वो प्रभुपाद ने काम किया है। बहुत अच्छे, दो तीन बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपने बोले रोहिणी नंदन प्रभु ने। जी हाँ हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद का संग करने से जब हम स्टडी करते हैं, हमें रोजाना साधु संग नहीं मिलता है, जब श्रील प्रभुपाद को हम पढ़ते हैं तो हमें साधु संग मिलता है, फिर उससे जो है हमारे अंदर मोटिवेशन आती है और हमारी भक्ति जो है अच्छी होती है। और श्रील प्रभुपाद की 70 साल की एज में इतनी हार्ड वर्किंग है, उस टाइम भी वो नस्ल प्रचार के साथ साथ जो है वो जो सुनने के लिए आते थे तो उनके लिए भी माँ प्रसाद हम बनाते थे। 70 साल की एज में भी वो 100 लोगों का जो है वो खाना बनाते थे, और इतना जो है एक जो हम लोगों में सुस्ती आ जाती है वो चीज, तो मतलब उस एज में भी जो है वो गुरु जी को नहीं आई थी,
तो इस वजह से बेसिकली प्रभुपाद से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। यस, अगर मैं एक लफ्ज में कहूँ तो प्रभुपाद से काफी इंस्पिरेशन मिलती है, बोलचाल प्रभु, ठीक है ना? ओके ओके गुड। सो कुछ पॉइंट्स जो है, कुछ अहम पॉइंट्स जो है निकल के आए इसके अंदर से कि प्रभुपाद से जो है हमें इंस्पिरेशन मिलती है। प्रभुपाद का, रोहिणी नंदन प्रभु ने बड़े इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स बोले कि प्रभुपाद का प्रेडिक्शन है, भक्ति विनोद ठाकुर से आया है। जी हाँ रोहिणी नंदन प्रभु, आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं? जी प्रभु जी, थोड़ा एक और खास है परवा लीला अमृत में है कि जब प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में थे तो रूप गोस्वामी ने स्वयं उनको कहा कि आप प्रचार करोगे और मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ओके गोस्वामी ने जो है प्रभुपाद से, ये भी एक रियलाइजेशन है प्रभुपाद का। जी हाँ प्रभु जी, एक और पॉइंट है कि जैसे ये तो सारी मतलब हो गई विश्वास के मद पे, लेकिन प्रैक्टिकली जो देखा जाए ना, तो प्रभुपाद ने जो सिद्धांत स्थापित किया है वो शास्त्रों के अनुसार किया है, और एक वो शुद्ध आचार्य थे, एक शुद्ध भक्त थे। तो प्रैक्टिकली एक व्यक्ति को देखा जाए तो वो एक मतलब बोनाफाइड है, बोनाफाइड पर्सन है। ऐसे व्यक्ति तारीख में मैं समझता हूँ जो मेरी थोड़ी बहुत स्टडी है नहीं हुए, बहुत कम हुए, बल्कि गिनती के लेवल पे भी नहीं हुए। क्योंकि ऐसा देखा जाए भारत में ऐसा व्यक्ति मेरी समझ में जो पूरे विश्व में जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है हमारे सनातन वैदिक धर्म को, ऐसा मेरी समझ में नहीं है कोई भी व्यक्ति। तो ऐसे बंदे मतलब ऐसे व्यक्ति से हमें उसका आचरण, उनसे अनुचरण करना चाहिए। अनप्रेसिडेंटेड, अंग्रेजी में कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि तारीख, जैसे आपने कहा तारीख में जो है ऐसी हमें मिलता नहीं है, इस तरीके से हमें नजीर ऐसी मिसालें नहीं मिलती, या ये मिसालें नहीं मिलती हैं बेमिसाल। और वो बोनाफाइड है, शास्त्र के अनुसार हमें समझा रहे हैं, और वो श्री कृष्ण के लिए हमें बता रहे हैं। एक ये बहुत बड़ी बात है, श्री कृष्ण के बारे में हमें बता रहे हैं कि वो स्वयं अस्तु भगवान है। तो ऐसा मतलब एज इट इज जो ज्ञान हमें दे रहे हैं, ऐसा मतलब महात्मा साधु कम मिलता है हमें तारीख। जी हाँ, जैसे बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से साथ ही में जोड़ भी देता हूँ, ये चुनके मुझे भी कुछ याद आया। प्रभुपाद ने जब ये सोसाइटी बनाई तो उस वक्त जो है और भी कई लोग इधर उधर प्रचार कर रहे थे, मैं वैष्णव नहीं पर वैसे हमारे सनातन धर्म के अलग अलग ब्रांचेस का प्रचार जो है पूरी दुनिया में फैल के कर रहे थे कई लोग। तो वो उस वक्त जो सोसाइटीज बनाते थे वो अपने नाम पे बनाते थे, जो उनके गुरुजी अपने नाम पे सोसाइटी बनाते थे। जी बिल्कुल, पापा ने अपने नाम पे सोसाइटी ही बनाई। yes, तो ये वही जो इसका बेसिक मूड जो है वो यही है कि सत्य पे वो आधारित है और परमार्थ पे आधारित है। ओके ठीक है, तो ये लॉयल्टी जो है ये कुछ चीजें, और ये मैं मान के चल रहे हैं कुछ पॉइंट्स आप लोग लिख रहे हैं, ये ऑफकोर्स आपके क्वेश्चन के हिस्से नहीं है बट लेसन ऑब्जेक्टिव है। एनीवे अच्छा, आप अगर देखें जैसे कुछ बताया भी ऑलरेडी जो आपने कहा ना प्रैक्टिकल जो बात आप कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने जैसे हमसे तवक्कु की जा रही है कि हम पूछ रहे हैं कि भाई प्रभुपाद के लिए आप इतने लॉयल क्यों हैं, तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद हमारे पूर्ववर्ती आचार्य परंपरा के लिए लॉयल है। तभी तो प्रभुपाद की किताबों में, तमाम तर किताबों में जो है वो पूर्ववर्ती आचार्यों को जो है, जो हमारे पीछे के जो आचार्य हैं उनको कोट करते हैं, ये फलाल चीज जो है विश्वनाथ चक्रधिपाद ने लिखी है, ये जी गोस्वामी ने लिखी है, रूप गोस्वामी ने लिखी है, ये मध्वाचार्य का आ रहा है, ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला, ये भक्ति ये इस तरह नहीं पेश किया उन्होंने, ये सब मैं बता रहा हूँ। तो बेशतर जो बातें हैं वो प्रभुपाद आप देखेंगे प्रीवियस आचार्य के मतानुसार जो उनकी उनकी जो राय है उसका शुमार उन्होंने वहां पर किया। फिर आप देखें अगर तो ये पहला, तो ये उनकी उनकी जो राइटिंग्स हैं वो उसको जो है बहुत मजबूती देती है। फिर और जो आपने कहा कि कन्हैयालाल जी बात कर रहे थे ना उस टाइम पे पूरी दुनिया में, हाँ तो पूरी दुनिया में जो है इस तरीके की मिसाल मिलती नहीं है, बेमिसाल है, बेनजीर है। मगर वो अगर आप देखो ये हमारे जो पूर्ववर्ती जो हमारे आचार्य थे उनकी ख्वाहिश थी तो उन्होंने पूरी की है। कुछ हद तक रोहिणी नंदन वो भी कह रहे थे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसा कहा, तो बेसिकली उन्होंने उनकी ख्वाहिश पूरी की। सो कब पूरी हुई वो ख्वाहिश, वो आचार्य जो है 2 जनरेशन पहले बोल के गए थे, 2 जनरेशन बाद, 2 नस्ल बाद वो ख्वाहिश पूरी हुई। सो तो इस तरीके से अचीवमेंट्स तो जो खैर, तो ये कुछ चीजें हैं जिसके वजह से हम प्रभुपाद से हम
उनके जो है हम वफादार हैं, उनके हम वफादार हैं। सो ओके, इसका अभी हम ड्राइंग तो नहीं करा सकते क्योंकि हम वहाँ नहीं है, सामने होते तो हम करा सकते थे। ओके, तो ये प्रभुपाद आश्रय जो है इसको याद रखिएगा, ये बुनियाद पड़ेगी आपके आगे गुरुपाद आश्रय की। हम धीरे 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 जा रहे हैं, मेरा ख्याल है आज हम शुरू कर सकते हैं। लेट्स सी हम कहाँ तक पहुंचे। ओके, मोटा मोटा तो हमारा अच्छा। आप मैंने खोला नहीं, एक मिनट। आप लोग को अपने हैंडबुक में देखना कि आसपास कोई बक्सा बना हुआ है क्या इस डिस्कशन के लिए। जी ब्रह्म जी, पेज नंबर 27 पे है, दो पेज नंबर 26 में भी डाल लो जो भी हम बातचीत करते हैं। ये सब किताबों में तो नहीं लिखा हुआ, तो आपसी गुफ्तगू से निकला है, तो लिख लो जो है लिख लो। हिंदी में बन गया। हाँ ओके, अब जो है कुछ हम साथ ही साथ प्रभुपाद के predictions, अब जो है हम प्रभुपाद के कुछ predictions जो आपकी किताबों में ऑलरेडी मौजूद है, हम प्रभुपाद के उस स्पेशल ये देखिए प्रभुपाद अपने बारे में क्या बता रहे हैं। एक भगवान दास को चिट्ठी लिख रहे हैं, तो भगवान दास की चिट्ठी में जो प्रभुपाद इस तरह बता रहे हैं, आई ऑल्सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन ऑफ माई बुक्स एंड लेटर्स, जो अब आप लोग भी यहाँ पर सब कर रहे थे कि आपने जो है मेरे किताबों की चिट्ठियों की जो है आपने सराहना की, तारीफ की, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फॉर माई स्पीकिंग इन द मीटिंग्स, और मेरे जो प्रवचन है, जो मेरी तकरीरें, उसके लिए भी जो है आपने मुझे मुबारक भी दी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दे आर नॉट माई वर्ड्स। राम सखा प्रभु आप यही बात कर रहे थे, आ गया सामने। दे आर नॉट माई वर्ड्स, प्रभुपाद कह रहे ये मेरे अल्फाज नहीं है। एज आई हैव रिपीटेडली इन्फॉर्मड यू दैट आई एम सिंपली द बियरर ऑफ द मैसेज फ्रॉम लॉर्ड चैतन्य थ्रू द डिसाइपलिक सक्सेशन। मैं चैतन्य महाप्रभु का संदेशा लेके आया हूं परंपरा के मार्फत। तो प्रभुपाद खुद यहाँ पर लिख के दे रहे हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु का संदेश वाहक, मैं महाप्रभु का जो है मैं संदेशा लेके आया हूँ। एक से जरा होल्ड कीजिए, मुझे कुछ याद आ गया, एक मिनट कीजिए, माफ कीजिए नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। एक मिनट, वो एक्चुअली क्या हमारे यहाँ ना 9 बजे, एक से ला दोगे ना, आपको देखते याद आ गया मुझे। अच्छा आपको आवाज आ गई बात, मैंने आपको देखते याद आ गया, मैंने क्लास रुको रुको सॉरी। अच्छा हो गया बंदोबस्त, ओके जी हाँ। ओ स्क्रीन चली गई है ना, अच्छा तो यहाँ पर आप देखें ये एक वो जगह है जहां प्रभुपाद ने लिख के दिया कि मैं चैतन्य महाप्रभु का संदेश वाहक हूं। ये धीरे धीरे केस बिल्ट होगा, देखते जाइए धीरे धीरे। एंड आई डू नॉट मेक एनी एडिशन और सब्सट्रैक्शन, और मैं उसमें से कोई चीज घटाता नहीं, कोई चीज बढ़ाता नहीं। सिमिलरली इफ यू ऑल कैरी दीज वर्ड सक्सेसफुली, इसी तरीके से अगर तुम सब जो है जो ये भगवान की ये जो वाणी है तो ये अगर आप इसको आगे लेके जाओगे, then the transcendental परंपरा सिस्टम will be exactly maintained and people in general will be benefited। तो ये परंपरा जो है ये कायम रहेगी और लोगों को जो है इससे फायदा पहुंचेगा, ठीक है। अब इससे आगे जो है बहुत मशहूर कि श्रील प्रभुपाद है कौन, है कौन, ये आप लोगों के हैंडबुक में दिया हुआ है। ये किताब जो है जहां से ये लिया गया है, क्या लोचन दास चैतन्य मंगल, इस किताब का नाम है चैतन्य मंगल, और ये जो शख्स है लोचन दास ठाकुर, ये चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, उनके साथ साथ के थे, उनके स्कूल के दोस्त थे,
चैतन्य महाप्रभु जिस स्कूल में जाते थे उन वो उनके क्लासमेट थे गोचंदास ठाकुर, ठीक है, यानी कि चैतन्य महाप्रभु के वक्त के। तो लोचनदास ठाकुर जो है ये बांग्ला में है ये बता रहे हैं, ज्योति पापी छाड़ी धर्मो दूर देश जय मोर सेनापति भक्त जय में तथा, कि अगर जो पापी हैं वो धर्म के जो है जो उसूल है उनको छोड़कर और ये धर्म जो वो इधर उधर भी चले जाते हैं, दूर देशों में भी चले जाते हैं, तो मेरा सेनापति का मतलब है ना कि कमांडर, मिलिट्री कमांडर जैसे होता है, तो जनरल, तो वो जो है वो जाएंगे वहां और उनको कृष्ण भक्ति देंगे। तो अब आप सोचें एक फौज में कितने सिपहसालार होते हैं, क्या ख्याल है आपका, एक फौज में कितने सिपहसालार होते हैं? एक ही सिपहसालार होता है, एक ही सिपहसालार होता है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु खुद कह रहे हैं कि मेरा जो है मेरा सिपहसालार आएगा, यानी कि वो अभी चैतन्य महाप्रभु के साथ नहीं आया है, अभी चैतन्य महाप्रभु खुद आए हैं, पर मैं अपना सिपहसालार भेजूंगा और उसके लक्षण ही होंगे कि वो दूर देश पर जाकर जो है वो पकड़ेगा उन्हें, उनको धर्म देगा। जो जो कन्हैयालाल जी कह रहे थे कि इसके अलावा इनसे पहले हमने किसी को नहीं दिखाई करते हुए, तो बहुत स्ट्रॉन्ग वो है केस है प्रभुपाद का, कि प्रभुपाद जो है सेनापति भक्त, इसलिए प्रभुपाद को कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के सिपहसालार है, और ये औहदा कमाया उन्होंने प्रभुपाद ने अपनी डेडिकेशन से, अपने गुरु परंपरा के साथ जो है वफादारी निभाकर, अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन कर वो उन्होंने किया। ये जो पहले जो प्रेडिक्शन थी ये प्रभुपाद ने सच करके दिखाई, ये प्रभुपाद के टाइम पे भी प्रभुपाद ने लिखा है कई जगह पे, कि लोगों को प्रभुपाद की एक ना कविता है 1960 के दिखाई में प्रभुपाद ने वृंदावन में बैठ के लिखी, वृंदावन भजन, तो उसके अंदर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि लोग अभी ये शक करते हैं, तब तो कोई इस्कॉन नहीं बना था, तब तो वृंदावन में थे प्रभुपाद, तब तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, तो उस वक्त प्रभुपाद उस चीज उस कविता में लिख रहे हैं, कविताएं मौजूद हैं अंग्रेजी में मिलती हैं, तो वो प्रभुपाद तब तो कुछ भी नहीं हुआ था, और प्रभुपाद उस वक्त लिख रहे हैं कि लोग शक करते हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की वाणी पर कि ऐसा होगा, पूरी दुनिया में जो है चैतन्य महाप्रभु की वाणी फैलेगी, अगर नगर नगर में जो है गांव गांव में जो है ये फैलेगा, लोगों के इस बात पर शक है। प्रभुपाद कहते जी हमें कोई शक नहीं, तो उस वक्त anyway, अब मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, मुझे अंदाजा है वो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से आवाज नहीं आएगी, एक तो वैसे भी अब जब हम जूम पे चलाएंगे तो कितना चलेगा, मैं वो रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग बाद में सुन सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत छोटा सा हिस्सा है जहाँ प्रभुपाद जो है इस बात का एतराफ कर रहे हैं, इकरार कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने प्रभुपाद को भेजा। मैं चलाता हूँ वो ये नेलोर, हिंदुस्तान में नेलोर एक जगह है जनूबी हिंदुस्तान में, तो वहां सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान जो है ये बातचीत हुई थी। मैं ऑडियो का हो गया अभी देखा था मैंने, एक सेकंड मिल तो जाएगा। ठीक है, पता नहीं कितनी आवाज इतनी साफ आएगी, मुझे पता नहीं, कोशिश करते। जी आवाज नहीं आ रही अभी तक, नहीं आ रही आवाज, नहीं प्रभु जी नहीं आवाज नहीं आ रही, कोई आवाज
बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही। अच्छा, इसका मतलब का ये तो नहीं है कि मेरे सिस्टम पे कुछ भी चल रहा है उसकी आवाज आपको नहीं जा रही। अच्छा एक मिनट मैं देखता हूँ क्या कर सकते। देखना अब आ रही है। नो प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही प्रभु, अभी नहीं आ रही। चलो फिर तो फिर काम करता हूँ मैं, इस पे वक्त जाया नहीं करता। मैं ये रिकॉर्डिंग जो है व्हाट्सएप पे आप लोग के ग्रुप में डाल देता हूँ, वो आप लोग सुन सकते हैं। वो नौ, बस ये है कि आप लोग 9 मिनट के बाद सुनना शुरू कीजिएगा। ये 15-16 मिनट का ये कन्वर्सेशन है, इधर उधर दुनिया भर की बात है इसके अंदर, बट इसमें 9 मिनट के बाद जो है एक जगह ऐसा आएगा जहां पर प्रभुपाद से सवाल पूछेंगे कि भाई वो ये पूछ रहे हैं, लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु अगर भगवान है, आप लोग कह रहे हैं भगवान है, तो चैतन्य महाप्रभु इधर क्यों नहीं आए, ठीक है ना, मगरिब क्यों नहीं गए? अगर चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान है तो मगरिब क्यों नहीं गए? चैतन्य प्रभुपाद फौरन जवाब दे रहे हैं क्योंकि वो उसका सहरा जो है मेरे बात सर पे बांधना चाहते थे, वो मेरे लिए छोड़ के गए थे। प्रभुपाद एग्जैक्टली बोलो, मेरे लिए छोड़ के गए थे। चैतन्य लाइन ऐसी है, चैतन्य लेफ्ट द वेस्ट फॉर मी, मशरिक में जो है चैतन्य महाप्रभु ने मशरिक में जो प्रचार किया, पर मगरिब जो है वो मेरे लिए छोड़ के गए थे। तो बहुत ही बिल्कुल सपाट आंसर दिया प्रभुपाद ने, वाकई में सुनने लायक है। क्या बोला? चैतन्य लेफ्ट द फॉर मी, चैतन्य लेफ्ट द वेस्ट फॉर मी, चैतन्य महाप्रभु मगरिब मेरे लिए छोड़ गए थे। साफ साफ है कि मैं ये आप लोगों को आप लोगों के ग्रुप में जो है डाल देता हूँ, आप लोग बाद में सब लोग सुन सकते हैं। ओके, टाइम लगेगा, इसको बंद कर देता हूँ मैं, फिर आवाज नहीं आ रही तो क्या करें। चलो पता लग गया, मुझे भी अंदाजा नहीं था पहले एक्चुअली कि जूम पर जो है कोई कंप्यूटर का ऑडियो का साउंड नहीं जाता, अंदाजा नहीं था इसका। ठीक है, तो हमारा मोटा मोटा तो हो गया है। एक और पहलू है इसका, इसके साथ साथ जो ये वाला लेसन खत्म हो जाएगा। एक सेकंड, यस, अब बड़ा अहम एक मुद्दा है, इतने देर से हम बात कर रहे हैं। अच्छा, प्रभुपाद आश्रम में एक और बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा, मुझे लगता है जरूरी है कि प्रभुपाद आश्रय का फायदा ये है कि हर कोई जो है एक पेज पे होगा, हर किसी ने प्रभुपाद आश्रय लिया होगा, नहीं तो ऐसी बात की लड़ाई होगी, किसी ने किसी गुरु का आश्रय लिया होगा, किसी ने किसी गुरु का, चाहे वो दीक्षा गुरु चाहे शिक्षा गुरु, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इसीलिए जो शुरुआत में जो है ये उस क्या कहते हैं, जो 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 नया बंदा आया है, हर किसी को आप प्रभुपाद आश्रय के लेवल पर लाएं और उसके बाद उसको फैसला करने दें कि वो किस शिक्षा गुरु का आश्रय लेगा, किस दीक्षा गुरु का आश्रय लेगा, उस पर छोड़े, ये मकसद है उसका। अच्छा चलिए, इतना जब मैंने बोल दिया तो अब जो एक बड़ा अहम सवाल है, क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हमारी कैसी, ये क्या हमारी ऐसी हरकतें हो सकती हैं, क्या ऐसे इम्कानात हो सकते हैं जिसके चलते श्रील प्रभुपाद का ये जो ओहदा है बानी आचार्य या शिक्षा गुरु सबके, आने वाले नस्लों के लिए पूछ रहा हूँ मैं सवाल, आने वाले नस्लों के लिए पूछ रहा, अभी आप लेकिन आज नहीं पूछ रहा, आने वाले नस्लों के लिए सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसे हरकतें हो सकती हैं हमारी, या क्या अगर इसके इम्कान भी हो सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के बानी आचार्य और शिक्षा गुरु ना रहे। क्या ऐसा हो किया जा सकता है जिससे वो ना रहे? जी विवेकानंद जी। प्रभु, अगर हम प्रभुपाद जी के नियमों को फॉलो नहीं करेंगे और उनको रद्द कर देंगे तो फिर हम प्रभुपाद जी नहीं रहेंगे, अगर हम प्रभुपाद जी के शास्त्रों पर अमल नहीं करेंगे।
अगर उनके शिल्पापा ने जो हमें सिखाया उस पर हम अमल दरामद नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ओके, और इसके अलावा जी रोहिणी नंदन जी। हरे कृष्णा। जब प्रभुपाद जी का अहमियत नहीं रहेगी तो इस्कॉन टूट जाएगा, बेसिकली इस्कॉन नहीं रहेगा, सबसे बड़ी खास बात। और सब और गुरु वाद विवाद होगा, सब अपने अपना सिस्टम शुरू कर लेंगे, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, नया सोसाइटी बनना शुरू हो जाएगी, शाखे बन जाएगी इस्कॉन से। जी हां जी हां, तो सब लोगों की जो है डेढ़ ईट की जो है अपने अपने मंदिर बन जाएंगे। जी 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 जी, ठीक है ठीक है। और क्या हो सकता है? हरे कृष्णा जी। अगर प्रभुपाद जी के बुक्स का वितरण नहीं होगा, उनका प्रचार नहीं होगा तो फिर हो सकता है। अगर हम चाहते हैं जैसे जो आने वाली नस्लें हैं प्रभुपाद जी को नहीं भूलें, तो सबसे पहले सबको मिलके प्रभुपाद जी के पुस्तकों को ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में फैलाना पड़ेगा, तभी ये हो सकता है। बहुत बहुत बढ़िया श्री प्रभुपाद जी। अगर आप देखें, वैसे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर, दिलचस्प बात है। अब देखिए, जो प्रभुपाद की किताबें जो छापती है, यानी कि बीबीटी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, वो और इस्कॉन दोनों मुख्तलिफ इदारे हैं। ये दोनों मुख्तलिफ इदारे हैं, ये इकट्ठे नहीं है। इस्कॉन और बीबीटी एक नहीं है, अलग अलग। अगर आप लीगली देखेंगे तो इस्कॉन का चार्टर और इस्कॉन का जो रजिस्ट्रेशन है वो अलग है, और बीबीटी का रजिस्ट्रेशन अलग है। ये प्रभुपाद ने दिन से ये किया करके रखा हुआ था, और उसकी वजह यही थी जो आदित्य प्रभु ने पकड़ी वो बात, कि हो सकता है कल को इस्कॉन टूट जाए, मगर अगर इस्कॉन टूट भी जाएगा तो भक्ति वेदांत तो बुक ट्रस्ट, ये बुक ट्रस्ट अगर चलता रहेगा तो किताबें जो है वो बरकरार रहेंगी, और जब तक ये किताबें रहेंगी तब तक इसके इम्कान बने रहेंगे कि अगर आज इस्कॉन टूट भी गया है बुरे से बुरे हालात में, तो हो सकता है कल दोबारा जो है वो खड़ा हो जाए अपने पैरों पर, या कोई नई ऑर्गेनाइजेशन आ जाए जिसकी बुनियाद वही श्री प्रभुपाद की किताबें हो। प्रभुपाद यहां तक सोच के बैठे थे, बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन आपने जो है पहलू निकाल के दिया जी। और किसी की आवाज आ रही है? जी जी प्रभु जी, आराम है प्रभु जी। जी जी प्रभु, पेड़ है तो शाखाएं तो होंगी लेकिन वो अप्रमाणिक होंगी। हाँ, वो पता नहीं क्या होंगी, शाखाएं भी होंगी, वो एक दूसरे पे यही इल्जाम तराशी करती रहेगी, वो बोलेगा तुम अनऑथराइज्ड हो, वो बोलेगा तुम अनऑथराइज्ड हो। ये होगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल, अच्छा चलिए ठीक है, ले लेते हैं। हाँ जी प्रभु जी, ऐसा हो सकता है कि जैसे सुबह को स्कूल में गुरु पूजा होती है तो उसमें कई शिष्य ऐसे हो जो चुप बैठे हो, ना कीर्तन करें ना प्रभुपाद की जयकार करें, वो जब गुरु स्कूल तो बड़ा कूदे नाचे जयकारा करें, तो मतलब प्रभुपाद को वो कम रिस्पेक्ट दे रहे हैं और अपने गुरु को ज्यादा, इस तरह तो तब भी ये हो सकता है। ओके, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, या प्रभुपाद को कोई रिस्पेक्ट ही ना दे। हम लोग पहले दिन जो बात करी थी, मतलब जो बुनियाद रखी गई थी इसी चैप्टर की बुनियाद है ना, कि प्रभुपाद आपके गुरु हैं, आप करें उनका, आप मनाएं उनके दरबार। मतलब प्रभुपाद आश्रय लेना पड़ेगा, अगर वो प्रभुपाद आश्रय छोड़ दिया तो ऐसा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा कन्हैया लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो अब मैं सवाल को पलट देता हूँ, इसी सवाल को बिल्कुल उल्टा कर देता हूँ। क्या करने की जरूरत है, हमें क्या करने की जरूरत है कि श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के बानी आचार्य और शिक्षा गुरु के रूप में आगे के नस्लों के लिए कायम रहे, बानी आचार्य और शिक्षा गुरु के औहदे पे कायम रखने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है? जी फरमाइए आदित्य। हाँ जी, हाँ जी रोहिणी नंदन, चलिए। सबसे पहले प्रभुपाद की बुक्स तमाम के तमाम, और जो प्रभुपाद ने जीबीसी बनाई है उसकी आज्ञा का पालन, और इस्कॉन में जो रूल्स रेगुलेशन प्रभुपाद ने दिए है वो हैज इट इज आगे वाली नस्ल के लिए भी चलते रहने चाहिए। और प्रभुपाद की गुरु पूजा, ये मस्ट है। हरे कृष्णा गुरु पूजा, बहुत अच्छा जी हाँ। या अपने रामे के प्रभु, राम सका प्रभु, सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, राम सका प्रभु जी। एक भक्ति चारू महाराज का अक्सर वो कहते थे कि अगर कोई ऐसा था कि मैं इस्कॉन में रहता हूँ या मैं इस्कॉन का सदस्य हूँ तो उनको तीन चीजें फॉलो करनी चाहिए। एक तो वो कि प्रभुपाद जी के प्रति समर्पित भावना, दूसरा ये कि वो इस्कॉन कभी नहीं छोड़ेगा, तीसरा उन्होंने बताया था कि
आई आवाज। जीबीसी जो है उनको वो फॉलो करना चाहिए। ओके 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 मोटे मोटे। हरे कृष्णा प्रभु। एक सेकंड जी जी। हाँ तीन चीजें। ओके ठीक है शुक्रिया। एक्चुअली देखिए वो राम सखा प्रभु जी की आवाज आती है थोड़ी कम आती है, कोई बीच में बोलेगा तो एकदम उनकी आवाज कट जाती है। पहले तो मूलचंद प्रभु कुछ कह रहे थे, फिर दीपक कुमार जी भी हैं। जी प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि शीला प्रभु की जो बुक्स है वो हमें इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करानी चाहिए, तो शीला प्रभु जो है वो रहेंगे, चाहे स्कूल रहे न रहे, शीला प्रभु रहेंगे। पढ़नी भी चाहिए, रेगुलर पढ़नी चाहिए, इंट्रोड्यूस करेंगे तभी पढ़ेगी। पहले खुद पढ़े, दूसरों को भी पढ़ने का मौका फराहम करें और खुद भी पढ़े। जैसे हमारे इस्कॉन में जो है ना एक जोक है, मुझे पता नहीं पाकिस्तान में वो जोक चलता नहीं चलता, पर पूरे इस्कॉन में मशहूर है वो जोक। वो जोक ये है, नहीं आपको मैं अंग्रेजी में आचरण हो फिर दूसरे को भी हिदायत दे सके। जी हाँ, वो जोक इसी तरीके का, इसी पे मबनी जो जोक है वो पूरे अंग्रेजी में है। जोक वो ये है, दीज बुक्स माई माउस माई स्पिरिचुअल मास्टर रोड दिस बुक्स फॉर मी टू डिस्ट्रीब्यूट एंड फॉर यू टू रीड। मेरे गुरु ने किताबें इसलिए लिखी है ताकि मैं आपको बांटूं और आप पढ़े, मैं नहीं पढ़ू। तो ये खुद पढ़े और पढ़ाए। जी हाँ ओके। ये दीपक कुमार जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी 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 प्रभु। प्रभु जैसे हम प्रचार के लिए कहीं भी जाते हैं तो वहां हम एग्जाम्पल देने वक्त ये कह सकते हैं कि प्रभुपाद महाराज ने ये कहा, प्रभुपाद ने ये कहा, तो इस तरह प्रभुपाद की पहचान वहाँ हो सकती है और उनके जो दिल में वो भाव बढ़ सकता है प्रभुपाद के लिए और उससे जुड़ सकते। ओके, प्रभुपाद को सामने रखें। रामेश्वर जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी हरे प्रभु जी। चैंटिंग डांसिंग और प्रसादम प्रभु होना चाहिए। या वो तो ये इस्कॉन का प्रोग्राम है, हम कह रहे थे कि प्रभुपाद जो है इस्कॉन के जो है मुस्तकबिल में भी जो है वो इस्कॉन के बानी आचार्य बने रहे, शिक्षा गुरु बने रहे, इसके लिए क्या करने की जरूरत है। या ये है विवेकानंद जी, प्रभु हम उनकी शिक्षाओं से सीख सकते हैं कि उन्होंने कभी भी यानी अपने नियमों को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और उन्होंने शास्त्र लिखे, उन सबके लिए उन्होंने इतनी शिक्षा देने के लिए हम सबके लिए इतना। सवाल कुछ और है, आप इधर उधर जा रहे हैं। मेरा सवाल शायद कई बार होता है ना डिस्कशन में सवाल गायब हो जाता है। सवाल बहुत साफ साफ था, सवाल ये था कि प्रभुपाद जो है इसको क्या कहते हैं मुस्तकबिल में भी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के बानी आचार्य और क्या नाम है शिक्षा गुरु बने रहे, इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है। सही प्रभु, हम उनके उनके शिक्षाओं को हम बता सकते हैं कि उन्होंने कितना सब कुछ किया, या उनके बारे में भी प्रचार कर सकते हैं, ऐसा नहीं उनके। हाँ ठीक है, ये भी चलेगा। ओके नाम है इसका। जी आवाज आई, प्रिया वलमा जी गो अहेड। प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम शिक्षाओं के लिए कह रहे हैं कि भाई ये सब शिक्षाएं श्री प्रभुपाद, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल बने दूसरों के लिए कि श्री प्रभुपाद जी के शिष्य जो है वो किस तरह से प्रैक्टिकली वो उनका जो नेचर है उनका जो आचरण है वो देखकर लोग सीखेंगे, कितना पढ़ के सीखते हैं लेकिन वो देखेंगे भाई इस कौन में जो है वो श्री प्रभुपाद जी के जो फॉलोअर्स हैं वो किस प्रकार से सिंसियर हैं और सिंसियर तभी लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। खाली बताना कि भाई श्री प्रभुपाद जी ये है या इस कौन ये है ये है वो एक बताना तो एक लिमिट तक, लेकिन उसको वो खुद क्या कर रहा है उसको देखकर ज्यादा लोग सीखते हैं। बिल्कुल, लोग देखेंगे ना कि ये जो बोल रहा है ये खुद कैसा है, उसी से हम दूसरों को लिए एग्जांपल भी बन सकते हैं और उसी से इस चीज को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ओके बीइंग अ गुड एग्जांपल। ओके थैंक यू, बीइंग अ गुड एग्जांपल। दीनबंधु प्रभु अब मुझे आगे जाना है, चलिए आप अपनी बात रखिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरे ख्याल से जब तक हम शिला प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ते रहेंगे और उनकी बताए हुए बातों पर चलते रहेंगे तो तब तक हम शायद मतलब जब हम किताबें पढ़ना छोड़ देंगे शिला प्रभुपाद जी की तो फिर थोड़ा सा ये हट जाएगा इस्कॉन में बने रहने के लिए। मतलब हमें शिला प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ती जब तक हम पढ़ते रहेंगे तब तक शिला प्रभुपाद जी जो है वो इस्कॉन के बानी आचार्य और शिक्षा गुरु बने रहेंगे। ओके ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ। मैंने देखा है कुछ हाथ खड़े हुए पर मैं अभी आगे जाना है, मुझे काफी डिस्कशन हो चुकी है इस चीज में, मतलब
जितना चाहिए था उससे थोड़ा ज्यादा ही हो गया मुझे लगता है। आखिरी सवाल मैं एक और, अब दो डिस्कशन इसीलिए किया था ताकि हम यहाँ तक पहुंच सके, ये आपके हैंडबुक में भी है, पेज नंबर बाबूजी उर्दू का, एक मिनट हाँ ये एक मिनट, मैं ये पेज नंबर उर्दू 28 है बाबूजी, 21 हिंदी में 21 है, उर्दू में देखना पड़ेगा कौन सा है, 28 है। अच्छा ये अंग्रेजी में 21 है, हिंदी में भी 21 है, उसमें देखिए 28 है शायद। What can be done to ensure that Prabhupada remains the founder acharya, Supreme Mundan Shiksha Guru? क्या करने की जरूरत है, क्या क्या करने की जरूरत है? अच्छा अब लिख लीजिए अभी तक हमने जो डिस्कशन किया लिख लीजिए, मैं एक मिनट का एक दो मिनट का मोहलत देता हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लीजिए। ओ कृष्णा ऑलराइट, किसी को और वक्त चाहिए, किसी को और वक्त चाहिए तो हाथ खड़ा कीजिए। हो गया प्रभु जी। ओके कन्हैयालाल जी हो गया, और किसी को वक्त चाहिए, नहीं तो फिर मैं आगे जाऊंगा, आप लोग लिख चुके हैं तो मैं आगे जाऊंगा। ओके अब आखिरी सवाल, ये सवाल जो है इतने देर से मैं बुनियाद बनाने की कोशिश कर रहा था, ये बेसिकली आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है, नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट, है ना, अब उधर जा रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के बानी आचार्य बने रहे, ठीक है ना, कि ये क्यों इतना अहम है, आने वाले जो क्या कहते हैं जो नस्लें हैं जो मुस्तकबिल में भी इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद बानी आचार्य शिक्षा गुरु बने रहे,
ये क्यों जरूरी है, क्या ख्याल है आपका? प्रभुपाद इसका जी जी हाँ फरमाइए, आवाज आई थी मुझे पता नहीं लग रहा कौन बोल रहा है। हरे कृष्णा प्रभु, मूलचंद हूँ। हाँ जी मूलचंद जी, जी फरमाइए। इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रभुपाद ने शास्त्रों में अपनी मर्जी जो है वो नहीं बोली है, वो भगवान की मर्जी को जो है वो एक्सप्लेन किया है। इस्कॉन के लिए क्यों जरूरी है, इस्कॉन के लिए क्यों जरूरी है? प्रभुपाद वाणी आचार्य बने रहे आगे मुस्तकबिल में। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि इस्कॉन की जो सोसाइटी है वो प्रभुपाद ने बनाई है, तो हम जो है निम्रता से श्रीला प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी वैष्णव है सीनियर हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि श्रीला प्रभुपाद स्कूल में न रहे। तो ये तो ठीक है, तो आगे के लिए आप चाहेंगे कि श्रीला प्रभुपाद स्कूल आगे बने रहें। मैं पूछा था इसकी मतलब इसकी अहमियत क्या, मतलब क्या या अपने क्या नाम है रामसंगा प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने धर्म की स्थापना की है, भगवान ने उसे भेजा है। हरे कृष्ण। एक मिनट प्रिया लम्बा जी, पहले उन्होंने हाथ खड़ा किया, मैं आ रहा हूँ आपके पास। यस आप सब प्रभु जी जी ठीक है, इस्कॉन के लिए क्यों जरूरी है? तो प्रभुपाद की तरफ से है। प्रिया वल्लभा जी, अगर प्रभुपाद नहीं रहे मने रहे तो फिर तो पूरा बिखर जाएगा, डेढ़ इंच की अपनी अपना अपना एक टेम्पल बना देंगे, बचेगा क्या? एक संस्थापना का आचार्य नहीं है, लीडर नहीं है, वो निकल गया तो सब अपना अपना गुरु बन के अपनी अपनी दुकान खोल के बैठ जाएंगे। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस्कॉन का एका बना रहे, मुत्तहिद रहे, इसके लिए जरूरी है। बहुत जरूरी है ये तो। ओके, इस्कॉन को मुत्तहिद रहे इसलिए जरूरी है। ओके, अपने रोहिणी नंदन प्रभु जी हाथ खड़ा हुआ जी, आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही, को आचार्य बने रहना इसलिए। ओ रामेश प्रभु जी, आप रामेश प्रभु बोल रहे हैं, आवाज कट रही है रामेश प्रभु, आवाज कट रही है रामेश प्रभु, आवाज कट रही है। मेरा नहीं प्रभु जी, रोहिणी प्रभु। किस? अच्छा रोहिणी प्रभु की आवाज है। हाँ जी रोहिणी नंदन प्रभु, गया कनेक्शन चला गया। ओके, और किसने हाथ खड़ा किया हुआ था? और कौन या प्लीज कंट्रीब्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, कन्हैयालाल जी प्रभु, जैसे एक बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग का एक फाउंडेशन होता है, अगर हम फाउंडेशन को ही निकाल देंगे तो बिल्डिंग पूरी गिर जाएगी। ओके, तो वो फाउंडेशन किस चीज का फाउंडेशन है? इस बिल्डिंग की फाउंडेशन क्या है? प्रभुपाद हैं, उनके जो प्रभुपाद है तो यस एग्जैक्टली थैंक यू, प्रभुपाद की शिक्षा है, शिक्षाओं में क्या क्या मोटी मोटी चीजें आ गई? देखिए उनका एक सिद्धांत है, स्टैंडर्ड्स दिया हमने, वेरी गुड वेरी गुड, इन्होंने कल्चर दिया है हमें, एक कल्चर दिया है, यस एक मूड है, कल्चर है इसका, उनका एक 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 अपना जाबिया है, और एक बोनाफाइड परंपरा से वो एक आ रहे हैं। बहुत अच्छा, तो ये प्रभुपाद को निकाल देते हैं तो धीरे धीरे जो इस्कॉन का वो जो कल्चर है वो स्टैंडर्ड्स है वो खत्म हो जाएगा। वेरी गुड, तो इससे वो बना रहेगा, अगर प्रभुपाद रहते हैं तो इस्कॉन का स्टैंडर्ड, इस्कॉन का मूड, कल्चर ये बना रहेगा। बहुत अच्छा कन्हैयालाल प्रभु जी, बहुत बारीक पॉइंट पकड़े, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये बताए और वो लोग भी कंट्रीब्यूट करें जो अभी नहीं। जी हाँ दीनबंधु प्रभु जी फरमाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कन्हैयालाल प्रभु जी ने कहा बिल्कुल वैसा ही कुछ सिमिलर उत्तर था मेरा भी। और दूसरा ये प्रभु, वैसे भी देखा गया कि जब तक हम किसी एक व्यक्ति को फॉलो करते रहते हैं तो तब तक सब ठीक चलता है, लेकिन जब हम उनकी शिक्षाओं को छोड़ करके कुछ अपना एडिशन भी उसमें ऐड कर देते हैं तो फिर सारे मामला जो है बिखर जाते हैं। तो यही बात है कि प्रभु जी जब तक प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को लेकर चलते रहेंगे तो ये सब बना रहेगा, जब तक हमारी लॉयल्टी रहेगी।
प्रभुपाद के स्टैंडर्ड जो प्रभुपाद ने दिया लॉयल्टी रहे। तो आप ये भी कहा जा सकता है इसमें कि दीनबंधु प्रभु की, क्या ये कहा जा सकता है कि प्रभुपाद के स्टैंडर्ड्स के साथ हमारी लॉयल्टी रहेगी तो इसका और बढ़ता रहेगा, फैलता रहेगा और क्या फायदा हो सकता है कि अगर श्रील प्रभुपाद जो है इस्कॉन के बानी आचार्य बने रहते हैं, और क्या फायदा हो सकता है, क्यों मतलब क्या जो इम्पोर्टेंस है? अच्छा मैं हिंट देता हूँ आपसी ताल्लुकात के बारे में क्या ख्याल है? हरे कृष्ण जी, रामैया प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे प्रभुपाद ने कहा तमाल कृष्ण महाराज को वृंदावन में, अगर मुझसे प्रेम करते हो तो झगड़ा नहीं करोगे, इसे दूसरा गोड़िया मठ मत बनने देना, दूसरा गोड़िया मठ मत बनने देना। बहुत अच्छा, प्रभुपाद ने अगर कहा कि तुम मुझसे कितना कितनी मोहब्बत करते हो ये पता चलेगा कि जब तुम आपस में जो है आपसी रिश्ते अच्छे रिश्ते बना के रखोगे इस आंदोलन को, इस तहरीक को आगे बढ़ाने में, ठीक है ना। तो ये आपसी आपसी मनमुटाव जो है उसको पीछे रख के इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए जो है तुम आपसी रिश्ते जो है बना के कायम करके रखोगे। तो आपसी रिश्ते जो है नॉट जस्ट कायम रह सकते हैं, आपसी रिश्ते प्यार मोहब्बत बढ़ सकता है। अगर प्रभुपाद को जो है हम जो है वो रहते हैं बानी आचार्य तो उससे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके ये सोचिए जरा कि जो आम जो इस्कॉन का जो एक रैंक एंड फाइल जो डिवोटी है, जो आम जो एक इस्कॉन का डिवोटी है, उसके नजरिए से सोच के देखें कि इस्कॉन के अगर बानी आचार्य प्रभुपाद बने रहते तो उसको उसके लिए क्या होगा, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी श्याम सुंदर कौन है, श्याम सुंदर सचिनंदन जी है क्या? नहीं प्रभु, नंद किशोर दास। नंद किशोर जी, जी जी। हाँ प्रभु, जैसे ये प्रभु कल का जो मेन जो टॉपिक ही था ना प्रभु, वो था कि फाउंडर आचार्य जी, तो ये प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का सीजन एक बुनियाद रखी है, सही है, जिसके अंदर समझ लो कि जैसे अभी प्रभु ने बताया कि चार पिलर है, सही है, इस्कॉन जीबीसी और क्या नाम है बीबीटी, सही है ना। तो प्रभुपाद जी ने सारी बुनियादें प्रभु रखी, तो इसी वजह से प्रभुपाद जी, मैं बोलता हूँ जब तक इस्कॉन है तब तक प्रभुपाद जी है, और हमेशा समझो इस्कॉन और प्रभुपाद जी हमेशा रहेगा इस्कॉन के अंदर बानी आचार्य। ओके ओके ओके, दोनों एक दूसरे के साथ जो है इनका बहुत गहरा ताल्लुक है, दोनों एक दूसरे के बगैर जो है हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। मैं ये बात करता, अगर ये रहते हैं तो अगर ये जो एक आम डिवोटी है जो इस्कॉन के अंदर आगे भी मुस्तकबिल में भी जो आएंगे उनके लिए आप सोच के देखिए तो उनके लिए कितना एक 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 उनको एक आसरा मिलेगा, एक शेल्टर, एक आसरा जो है उनको हमेशा मिलेगा। ये इसका प्रभुपाद बेसिक आइडियाज बेसिकली यही हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या उसका उसके क्या फायदे हैं, क्यों जरूरी है। ओके सो इसके साथ जो है हमारा ये वाला सेक्शन जो है यहाँ पर हम खत्म हो गया हमारा, अभी हमारे पास एक घंटा, वाओ बहुत अच्छा हो गया, चलो धीरे ओहो गलत फाइल बंद कर दी, तो धीरे धीरे हम आगे जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं, हम लोग दो दिन पीछे हैं और अगर आज हम थोड़ा सा आगे चल पाए तो दो दिन का डेढ़ दिन हो जाएगा। अभी पेज नंबर 30 आ गया ना प्रभु जी, पेज नंबर 30 आ गया, इस्कॉन इन द बर्मन अथॉरिटी। हाँ है, इस्कॉन इन द फ्यूचर है, आप देखिए इस्कॉन इन द फ्यूचर पे है। अच्छा 30 अंग्रेजी में कह रहे कि उर्दू में कह रहे? उर्दू में प्रभु जी, उर्दू में। उर्दू में होगा, हाँ उर्दू में होगा, 30 के आसपास हो गया होगा। कांटे दरमियान 30 बाय टेरी की बनावट। जी हाँ एक मिनट, कान गुरु विन कान की 30 30 हाँ, वहाँ पे अभी गए नहीं है, अभी आ रहे हैं वो तो एक्चुअली मैच देख रहा हूँ कि वो आज ही शुरू करना है कि उससे पहले वाली चीजें करना कवर कर ले, वो एक घंटा वो बहुत मगजमारी होने वाली है उस पे। अच्छा ये 29 आएगा प्रभु जी। हाँ अभी आ रहा हूँ उस पे, आ रहा हूँ, वो एक्चुअली बहुत लंबा टॉपिक है, देखता हूँ हो सकता है छेड़ जाए, घंटा तो है हमारे पास। आप नेक्स्ट बता रहे थे ना, इसलिए मैं सोचा ही होगा। हाँ नहीं ठीक कह रहे हैं आप, जाना तो है उस तरफ। कौन गुरु गोविंद गुरु गोविंद, चलो इस्कॉन गुरुज अब आ गए वहां पर, ये दो तीन दिन से शोर शराबा हो रहा है ना,
गुरु ये वो आ जाओ आज आ गए अब हम तुम्हारी दोस्त की बुनियाद देखिए तो इसका देखिए आप इसकी सीरीज देखिए सबसे पहले क्या है सबसे पहले हमने गुरु तत्व क्या है इस पे बातचीत करी है ना प्रिंसिपल गुरु का जो सिद्धांत है गुरु के जो सूर तो बेसिक जो प्रिंसिपल है गुरु तत्व एलिमेंट पहले वो उसकी बात करी तो उसके बाद उसकी परंपरा ठीक है गुरु तत्व परंपरा इसकी बात करी अब उस गुरु परंपरा के मातहत हमने श्रील प्रभुपाद की बात करी ठीक है गुरु परंपरा श्रील प्रभुपाद आप देख रहे मतलब सीरीज है गुरु तत्व के तहत आ गया प्रभुपाद और प्रभुपाद उसके नीचे आ गया इस्कॉन के गुरु ऐसे करके हम आगे जा रहे ओ कृष्ण ओके अब हम चलते हैं यस इस्कॉन गुरुस कहाँ चला गया डिलीट हो गया फाइनली ओके यहां से शुरू करने से पहले मैं एक बार देख लूं ठीक है हमारा ये लाइन तो तैयार हो गया विल नाउ अदर गुरुस ठीक है इसका फाउंडर अच्छा डिस्कस कर लिया अब हम दूसरे गुरुओं की बात कर रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले ये एक कोट है ये देखिए आपकी किताब में भी होना चाहिए आई एम श्योर पेज नंबर देखना पड़ेगा 765 भागवतम 765 ये आप देख लीजिए वहां पे होगा वी शुड देयरफॉर लिव इन सच ए वे अच्छा एक मिनट बात सुनो ये कोट मिल गया क्या देखना जरा उर्दू किताब में आप लोगों को 765 ये होना चाहिए गुरु ग्रंथ में तो प्रभु जी पेज नंबर है 29 लेकिन उसमें नहीं है ना उसमें नहीं है उसके नीचे होगा नीचे भी जो कि एक पूरी एक एडिशनल कोर्स का एक पूरा पेज होगा जो है ना इजाफिया काइंड ऑफ होगा उसमें होना चाहिए या आखिरी है प्रभु ये जो इजाफिया का आखिरी आखिरी कोट है 37 पढ़ना जरा मिल गया ना आपको पढ़ना जरा जीरावानी जी पढ़ना जरा जीरावानी जी बोल रहे हैं ना जिसको भी मिल गया पढ़े जी प्रभु मिल गया पढ़े पढ़े हमें इस तरह जिंदगी बसर करनी चाहिए कि मन और अकल के नजरिए से हम खुद को सेहतमंद और ताकतवर रख सकें ताकि मुसीबतों से भरी जिंदगी में अपनी मकसद जिंदगी को पहचान पाएं अकलमंद शख्स को चाहिए कि वो सच और झूठ के दरमियान फर्क करने वाली ज़हनियत से काम लेना सीखे ताकि मुनासिब और गैर मुनासिब में फर्क करके वो अपनी मकसद जिंदगी को हासिल कर पाए श्रीमद् भागवतम 765 मेरी गुजारिश है सबसे आधा मिनट लगा लीजिए इस पे इसको खुद पढ़िए अपनी आंखों से पढ़िए खुद पढ़िए ये बुनियाद है प्रभु पेज नंबर उर्दू में क्या बताया 37 का आखिरी कोट हिंदी में 27 होना चाहिए देखो हिंदी में ना मेरी फाइल ही बंद हो गई है एक मिनट रुको गलती से बंद हो गई हिंदी में मिल गया हो तो बता दे 27 होना चाहिए मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ 37 नहीं 37 उर्दू में हिंदी में नहीं होगा 37 हिंदी में ना 28 है 28 28 आखिरी जी एक समझदार व्यक्ति ठीक है मिल गया ना सबको देख लिया जी जी कैसा लगा ये अपने ख्यालात
इंतजार करें, जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपनी शरीर की सेहत को और प्लस स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जो है जाने के लिए उस जो हमारा टारगेट है उस पर हमें वर्क करना चाहिए। जैसे हम मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, फिर देन हम अपनी सेहत के लिए वॉक करते हैं और फिर समय निकाल कर प्रभु की जो बुक्स हैं वो पढ़ते हैं। उसमें अगर हमें कुछ समझ में ना आए तो हम वैष्णो से सवाल करते हैं, तो हमारी रुचि जो है वो बढ़ती है और हमारा मन जो है भगवान में लगा रहता है। तो इसी तरह हम जो हैं वो धीरे धीरे A thoughtful man must act in this way. क्या उर्दू में क्या लिखा है पढ़ना जरा, exact line ये वाला। A thoughtful man must act in this way. उर्दू में क्या लिखा है पढ़ना जरा। विचारवान काबिले गौर फिक्र शख्स को चाहिए कि वो सच और झूठ के दरमियान फर्क करने वाली ज़हनियत से काम लेना सीखे। हाँ, तो ये इसका मतलब क्या है? ये देखिए यहाँ पर thoughtful devotee नहीं लिखा, शख्स लिखा है, भक्त नहीं लिखा। जानिए ये हर हर इंसान के लिए ही है, हर इंसान के लिए लागू होते, सिर्फ भक्तों के लिए नहीं, सबके लिए। तो यानी कि भक्तों से भी ये तवक्कुआत की जाती है, और ये इसलिए है क्योंकि इसके जो अब ये जो हम कोट अभी हमने पढ़ा है ना, देख के बहुत मामूली लग रहा है, एक्चुअली ये नेक्स्ट दो तीन लेसन में चलता रहेगा, बुनियाद यही होगी, यही बुनियाद होगी। क्या है कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मस्ट एक्ट इन दिस वे, लर्निंग टू डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम द रॉन्ग, सही और गलत में फर्क करना सीखे। इसका मतलब ये है कि जो कम अकल लोग हैं वो सच और झूठ की फिक्र करने के बगैर ही अपनी जिंदगी को जिए जाते हैं। और जो कम अकल लोग हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो कम अकल लोग हैं वो अभी गुरु धारण करने के लिए, दीक्षा के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं, बिल्कुल, उनको पता ही नहीं है हमारे लक्ष्य क्या है। अगर वो हाँ, अगर वो क्या कहते हैं, सही और गलत में फर्क करना जानते ही नहीं, उनको पता ही नहीं, फिर उनकी चॉइस ठीक कैसे हो सकती है, मुझे बताएं। सही बात, विनम्रता से हमें गुरु के पास जाना चाहिए और सरेंडर करना चाहिए। नहीं नहीं, फिर वही वाली बात, आप वही जज्बाती बातें करे जा रहे हैं। माफ कीजिए, मैं आपको सख्त बात बोल रहा हूँ, मेरी बहुत जज्बाती लैंग्वेज है। वो गुरु के पास जाना चाहिए, भाई आपको सही और गलत का फर्क नहीं आता, तो आपको सही का गलत का फर्क सीखना पड़ेगा। और आप कह सकते हैं कि हाँ प्रभु जी, सही और गलत का फर्क कैसे सीखेगा, किसी गुरु के पास जाएंगे तो सीखेंगे ना। हाँ, मगर इसके से पहले आप वो गुरु गुरु है कि नहीं है, कैसा है, ये आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए शास्त्र है, इसके लिए शास्त्र है। ये शख्स जो है सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? क्या आपके साथ वाला जो आपके जैसा ही है, उसका भी दिमाग जो वो भी ऐसे ही एक कंफ्यूजन का शिकार है, वो बोल रहा है इसलिए उसकी बात मान लूं मैं? नहीं, इसका फैसला आपको खुद करना है, और ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए गुरु का जो चॉइस है वो नदानी में नहीं हो सकता, और वो नाबालिग लोगों का काम नहीं है। नाबालिग का मतलब अकल से नाबालिग करो, ये नहीं उम्र से नाबालिग, उम्र भी है ऑब्वियसली। अगर एक 6-7 साल के बच्चे को ले जाके आप दीक्षा दिलवा दें, उसको तो बेचारे कुछ भी नहीं पता, और सारी जिंदगी का जो है आपने उसके अजाब जो उसके गले में आपने डाल दिया ले जाके। चलो मैं इधर उधर चला जाऊंगा, पर ये जो कोट है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। थॉटफुल मैन, और क्यों, इसके लिए क्या जरूरी है? स्ट्रॉन्ग इन माइंड एंड इंटेलिजेंस, ये जो है अपने आप को इसलिए सेहतमंद रखे ताकि आपका मन और आपका और आपकी अकल जो है वो काम कर रही हो हमेशा। क्यों? ताकि आप फर्क कर सके। मकसद जिंदगी एक तरफ है, और ये पूरी जिंदगी जिसमें जो है तमाम तकलीफ भरे हुए दूसरी तरफ है। जिसको जिंदगी की तकलीफ है तकलीफ नहीं लगती, और जिसको जिंदगी के कोई मकसद का इल्म नहीं है वो न जाए गुरु धारण करने। प्रभुपाद से पूछा गया था कि प्रभुपाद क्या हर किसी को गुरु की जरूरत है, प्रभुपाद ने कहा नहीं, क्या हर किसी को नहीं, जिसको भगवत धाम जाना चाह रहा है उसको जरूरत है, हर किसी को नहीं जरूरत। फिर प्रभुपाद ने बहुत लंबी तकरीर करी, गुरु फैशन नहीं होता, अच्छा सबके पास है मेरे पास भी होना चाहिए। गुरु ना हुआ घर में, जैसे हमने नया जैसे कोई जानवर पाल लिया हो, बाकी सबने पाला हुआ है, मेरे पास भी एक होना चाहिए। प्रभुपाद ने बस बहुत सख्त जबान इस्तेमाल करिए, वो क्या सबको गुरु की जरूरत है, प्रभुपाद ने नहीं नहीं जरूरत है सिर्फ। और ये आपको मिल जाएगा साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन किताब में, अगर वो आपके वहां उर्दू में मिल जाती है तो उसमें एग्जैक्ट चैप्टर मुझे याद नहीं, पर उसके अंदर ये है।
Does everyone need his guru? Prabhupada said no. सिर्फ उनको जरूरत है जो भगवत धाम जाना चाहते हैं। इसलिए जिसका मकसद जिंदगी क्लियर है क्लियर वो जाए वो ले, जिसका मकसद जिंदगी क्लियर नहीं है, जो जिंदगी की जो जो तमाम तकलीफ है उसको तकलीफ नहीं लगती, उसको नहीं जरूरत। और जब ये उसको ये आ जाए तो उस वक्त उसको ये सीखने की जरूरत है क्या सही है और क्या गलत है, तभी जो है वो सही नतीजे पे पहुंचेगा, तभी जो उसकी चॉइस होगी चाहे वो गुरु की चॉइस हो जो भी है तो ये वो तब दुरुस्त होगी। यस कृष्णलाल जी आप कुछ कह रहे थे? जब तक इंसान की एक मिनट तो कृष्णलाल जी को बोलने दीजिए जी। हरे कृष्णा, मैं ये कह रहा था कि जब लक्ष्य उनके सामने होगा जिसको परम धाम जाना है तो उसके लिए उसको क्या करना है। जो लोग इसी संसार में अभी तक भगत रहे हैं कि बड़ा घर होगा, बड़ा संसार होगा, संतान होगा, धन होगा, घर बड़ा होगा, गाड़ी बड़ी होगी, तो वो इस चीज को नहीं सोच सकते। तो बहुत अच्छा, उसका भी वक्त नहीं आया। जी जी, उसका वक्त नहीं आया अभी गुरु के लिए, उसको अभी यहाँ पर जो है जीवन भक्ति सेवा में लगा दिया है प्रभु, तो उसका तो लक्ष्य यही है कि गुरु के लिए जो है वो सिंसियरली रहे, उसके लिए हम इसीलिए हम जो है वो डिसाइबल जो कोर्स करते हैं वो 2 घंटा बैठते हैं, तो यही जो है हमारे लिए मेन है। यहाँ पर कौन आया सारे? बिल्कुल बहुत अच्छा, यहाँ पर ये सारे कौन आए, सब कौन सब हरे कृष्णा जो इस चीज को लेके इस मौजू को लेके जो सीरियस जैसे मूलचंद प्रभु बता रहे हैं। आ रहा हूँ सब लोग इकट्ठा बोलना शुरू करेंगे तो कैसे काम चलेगा, जैसे वो मूलचंद प्रभु बात करें बिल्कुल कि जो अगर आप हम इस चीज को लेके सीरियस नहीं तो यहाँ पर क्या अपना वक्त जाया करने बैठे हैं। जाहिर नहीं बता, तो जो सीरियस जो ये जिंदगी का मकसद जो है उसको हासिल करना चाहते तो उसको गुरु की जरूरत है, और इसलिए उसको सही और गलत में फर्क करना आना चाहिए ताकि उसकी जो चॉइस हो तो चुनाव वो दुरुस्त हो, और इसलिए उसका उसका जो है दिल इतना पक्का हो कि वो सही चॉइस के साथ जाए। ओके, अब 2-3 आवाजें और आई, मैं देख रही हूँ। प्रभु जी जी, कौन? राशन दादा जी, आदित्य दास प्रभु जी, आदित्य जी जी जी, फरमाइए। तो जी ऊपर वाली लाइन में लिखा है कि हमें जिंदगी इस तरह से बसर करनी चाहिए कि हम मन और अकल के नजरिए से खुद को सेहतमंद बना सकें। जी हाँ। तो भगवान का एक श्लोक है, अगर हम मन और अकल को सेहतमंद बनाते हैं तो तेषां ते सत्युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन उपयान्ति ते। जो प्रेम से मेरा भजन करेगा, मेरे नाम का जप करेगा, भगवान कहते हैं हम उनको ही शुद्ध बुद्धि देंगे। तो अगर बुद्धि को ताकतवर बनाना है तो हमें भगवान के नाम का जप और सेवा अच्छे तरीके से करनी चाहिए ताकि हम जो है सही और गलत का जो है जो झूठ और सच में फर्क है उसके लिए हम जो है समझ सकें उसको। या इसका एक और श्लोक भी है, युक्त आहार अभ्यास युक्त चेतस कर्मसु युक्त सपनाबोधस्य योग भवति दुःखः। ये कह रहे हैं कि अगर आपका आहार जो आप आपकी खुराक है युक्त आहार विहार जो आपका बाकी जो टाइम है जो मतलब फ्री टाइम है युक्त स्वप्नस्य युक्त चेतस जो आपकी चेतना है जो आपकी कॉन्शियसनेस है युक्त अवबोधस्य स्वप्न अवबोधस्य इवन जो आप आपका आपका सोना है आपके सपने हैं सारा, तो अगर ये आप मेरे से जोड़ के चलोगे तो योग भवति दुखः, तो दुखों का जो है दुखहा हा लफ्ज का संस्कृत में मतलब होता है उसको मार डालना, हा हंता हा, तो यानी कि आप दुखों को जो है दुखों को मार डाल सकते अगर आप ये कर सकते। तो ये सेहतमंद रहना हर लिहाज से ठीक है ना, जिस्मानी तौर पर भी बेहद जरूरी है भक्तों के लिए। एक इस्कॉन के अंदर ये देखा गया है, ये गलत फहमी के शिकार होते समाज हमारा प्रचार से ही होते कि हम शरीर नहीं है, तो आप शरीर नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर आप शरीर के अंदर हो ये भी उतना ही उतनी बड़ी हकीकत है। तो इसीलिए जो ये तस्वीर जो यहाँ पर डाली गई है बहुत सोच समझ कर डाली गई है कि अपने सेहत का ध्यान रखें, नहीं रखते भक्त लोग, भक्त लोगों को मैं देखता हूँ ज्यादातर, और वो भक्त कौन होते जो नौसिखी होते
ज्यादातर जो नौसिकीय होते हैं उनको गलत फहमी होती है कि ओ ये शरीर जो है ये से तो छोड़ के जाना है, इसका क्या ध्यान रखना है ना, तो वो बाद में जो है ये शरीर आपको भक्ति नहीं करने देगा। इस्कॉन के अंदर जो है इसीलिए बाद में 90 के दिहाई में एक हेल्थ मिनिस्ट्री बनाई गई, वो जो आप लोगों ने वेबसाइट देखी है ना उसके अंदर आप देखेंगे हेल्थ मिनिस्ट्री का भी एक वो होगा डिपार्टमेंट होगा, वो इसीलिए बनाई गई जिस हमने देखा कि शिल प्रपात के टाइप में हमने देखा और प्रपात को देखा और कुछ नहीं सीखा, प्रपात को देखते रहे 10-11 साल कुछ नहीं सीखा उनसे, और उसके बाद कब सीखा जब धक्के खा के सीखा, वो सारे जो प्रपात के डिसाइपल थे मैं सबकी बात कर रहा हूँ वो जब तक तो अपना शरीर से क्योंकि वो 20s और 30s में थे, जवान थे जब प्रभुपाद थे, प्रभुपाद 70-80 के थे और वो 20 और 30 में थे, 20 में ही थे, 30 का भी तो कोई एक आदि होगा, चलता रहा दो अगला 15-20 साल तो है वो तो शरीर ठीक से चलता रहा, आप दौड़ भाग करते रहे सारी दुनिया में प्रचार करते रहे ये वो, 40-50 टच करने के बाद ही जो धीरे धीरे बीमारियां लगने लगी, क्यों, क्योंकि सेहत का ध्यान नहीं रखा, ठीक है ना, तो उसके बाद जो है तो पता लगना, उसके बाद वही जब है जब करने के लाले पड़ रहे हैं किसी को साथ तबीयत खराब है ना है, फिर धीरे 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 धीरे, और प्रभुपाद से कुछ नहीं सीखा, क्यों नहीं सीखा, अगर प्रभुपाद का एक दिन देखें, प्रभुपाद का देखें ये वॉक है, 1 घंटा वॉक करते थे सारी दुनिया को मालूम है, ठीक है, सारे मॉर्निंग वॉक कन्वर्सेशन रिकॉर्ड पे रहे, उसके बाद मालिश करवाते थे रोज, ठीक है, आधा घंटा मालिश करवाते थे, ठीक है, सोते थे तकरीबन 4-1 घंटे, आप देखते जाओ क्या करते थे, ठीक है ना, अपने लिए 1 घंटा वॉक, आधा घंटा मालिश, 4-1 घंटे सोना, इत्मीनान से प्रसाद पाते थे, प्रभुपाद ने कभी जल्दी बात, प्रभुपाद का अगर आप प्रसादम पाने की वीडियोस मिल जाएंगी आपको इंटरनेट पे गूगल पे सॉरी यूट्यूब पे देखिए, आराम से प्रसाद पाते। सो प्रभुपाद अगर देखा जाए अपने शरीर को कम से कम 6-7 घंटा देते थे, पर कुछ नहीं सीखा, और ये यही 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 ट्रेंड जो है आज भी जारी है, नए नए आते हैं आलसी होते हैं और वो आलस को जो है भक्ति के पीछे छुपाते हैं, शरीर है हम शरीर नहीं है तुम्हें क्या जरूरत है, ये शरीर से छोड़ के जाना है एक दिन, ये शरीर आपको इतनी तकलीफ देगा, नानी याद करा देगा भगवान याद नहीं कराएंगे, इसीलिए ये बोला शुरू में कि अपना ध्यान रखें सेहत का ध्यान रखें, अगर सेहत आप सेहतमंद रहेंगे तो आपका माइंड स्ट्रांग बनेगा, आप काम करेगा अकल काम करेगी, अकल काम करनी बंद कर जाती है जब आदमी बीमार होता है, इसके रखें ये जरूरी है ताकि आप अपने मकसद से डिगे नहीं, आपको जो है अपना फोकस जो है एक जगह पे रहे, उसके बाद ये जरूरी है नेक्स्ट, जिसके आधार जो है शास्त्र जो मूलचंद वो भी बात कर रहे थे कि सही और गलत में फैसला करना सीखना। प्रभु जी हम तो बात कर रहे थे इस्कॉन गुरुओं की, ये कहां से आ गई, अभी ये हर 10 मिनट में इसकी याद आएगी, चलते जाए पता चले। अब चलते हैं अथॉरिटी स्ट्रक्चर पे भी जाने से पहले मैं एक बार देख लूं, हाँ इससे पहले ये बात करना जरूरी है आपसे, हाँ प्रिया वल्लभ जी गो अहेड। प्रभु यहाँ पर हमारा ये हमें ये बात पता चली कि गुरु का चॉइस नादानी में नहीं हो सकता है, पहले व्यक्ति को समझदार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी तो आती है कि गुरु ही नहीं होगा तो समझदारी आएगी कहाँ से, मतलब मैंने छेड़ा था, मैंने उसी सांस में बात छेड़ी थी कि अगर आपका सवाल पलट सवाल हो सकता है भाई अगर गुरु नहीं होगा तो मैं समझदार कैसे बनूंगा, नहीं यहाँ पर वो बात हो रही, समझदारी आपको शास्त्रों से हासिल करके फिर आना है, तो शास्त्र भी तो हम किसी गुरु के अंडर में ही तो समझेंगे, वरना खुद से पढ़ के कौन ज्ञानी बनता है, समझेंगे शायद समझ पूरी ना हो, उसकी समझ पूरी होगी आप तो गुरु के पास आकर, मगर उससे पहले जो है शास्त्र आपका पढ़ना जरूरी है, बेशक अधूरा ज्ञान हो वो ज्ञान पूरा होता है, जैसे आप देखें हम मैं कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर देता हूँ, प्रभुपाद से शुरू करते जब प्रभुपाद पहली बार गए अपने भक्ति ठाकुर से मिलने के लिए, वो वाकया जो है ना वो मशहूर है कि वो जाना नहीं चाहते थे,
वो उनके जो वो जो दोस्त थे प्रभुपाद एक जगह पे बता रहे व्यास पूजा पे हंसते हंसते हुए बता रहे, कहता हूँ मुझे घसीट के लेके गया था, मैं जाना नहीं चाह रहा था। वो क्यों नहीं जाना चाह रहा था कि मैंने ढोंगी देखे हुए थे, मेरे घर पे भी आते थे, प्रभुपाद कह रहे मेरे पिताजी हर किसी को बुला लेते थे, मैं देखता था सब ढोंगी आते थे, हमारे घर में हुक्का रहता था, कई साधु आके हुक्का पीते थे, तो मुझे पता था, तो मैं जाना नहीं चाह रहा था, वो घसीट के ले गया मेरे को। और वहां जब ले गया तो मुझे बड़ा वो बोल रहे थे, हमें देख के फिर उन्होंने ऐसा सब बोला कि तुम लोग अंग्रेजी जबान में क्यों नहीं प्रचार करते ऐसे करके। तो प्रभुपाद ने क्या किया उस वक्त, प्रभुपाद ने पलट के जवाब दिया कि भाई अभी हिंदुस्तान जो है वो गुलाम है, तुम्हारी हमारी बात कौन सुनेगा, हमें पहले आजादी की जरूरत है। ये तो यानी कि प्रभुपाद ने उनके साथ सवाल जवाब किए, अपनी अकल के हिसाब से सवाल जवाब किए, जो कि बहुत अकलमंद वो था आर्गुमेंट था। कॉमन सेंसिकली देखे तो प्रभुपाद अपनी जगह पर ठीक थे, एक एक माशा जो गुलाम है उसकी बात कौन सुनेगा, उन्होंने सुपीरियर लॉजिक दिया भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने कि भाई ये मूवमेंट जो है ये किसी का इंतजार नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये तो होता, ये तो पलटते रहेगी, ये जो आज कोई गुलाम किसी का गुलाम है कल कोई उसका मालिक है, ये तो पलटते रहेंगी चीजें ऐसे। तो यानी कि अगर आप अकलमंद नहीं होते तो जज्बाती सा होता। अब आप प्रिय वल्लभ माँ जी बताइए, जो आपका तजुर्बा है, ज्यादातर लोग जो है जब किसी गुरु के सामने जाते हैं सवाल जवाब करते हैं, हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं ना, गुरु जी ने बोला है, और तभी बेवकूफ बनते। हरे कृष्ण, आ रहा हूँ जीरावानी जी, आ रहा हूँ, देखा है मैंने आपका हाथ, आ रहा हूँ। सो इसीलिए ये जरूरी है। फिर और एग्जाम्पल मैं आपको आपके सामने पेश कर देता हूँ, तो इनकम्प्लीट, जैसे चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे आगे का इसकी बात करनी है। चैतन्य महाप्रभु जो ईश्वरपुरी से मिले, चैतन्य महाप्रभु संस्कृत स्कॉलर थे, तो ईश्वरपुरी ने बोला मैंने किताब लिखी है श्री कृष्णचरित नाम से, तो मैं चाहता था कि इसकी थोड़ी सी जो ना तुम क्या नाम है एडिटिंग कर दो, देख लो इसकी संस्कृत ठीक है नहीं है क्या है, तो थोड़ी सी इसकी इसका ग्रामर जो है थोड़ा सा चेक कर लो, देख लो कि ठीक है कि नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस किताब में गलती निकाल दी, ईश्वरपुरी के उसमें से उन्होंने गलती निकाल दी कि ये लाइन ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो ईश्वरपुरी ने जो है सुपीरियर ग्रामर का आर्गुमेंट दिया, बोला नहीं ये इसलिए ऐसे लिखा हुआ है, ये इसलिए ये ठीक है। चैतन्य महाप्रभु उनके कायल हो गए, यार कमाल है, मेरे को तो यही ख्याल था कि मेरे से ऊपर कोई नहीं मुझे बीट कर सकती, आप समझ रहे बात। तो उनको चैतन्य महाप्रभु को अपनी अकल समझ के हिसाब से उन्होंने उस किताब को उनके कमेंट पर जो कमेंट किए, उन्होंने बताया नहीं ये ठीक नहीं गलत है, उन्होंने बताया नहीं ये ठीक है। और एग्जांपल ले लीजिए, जीव गोस्वामी का एग्जांपल आता है, जब वो इधर ये रूप गोस्वामी वृंदावन में थे तो उनसे वल्लभ भट्ट मिलने आए, वल्लभ भट्ट एक और दूसरे संप्रदाय पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं, वो उनसे मिलने आए, तो उस वक्त रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे थे, मुकम्मल नहीं हुआ था, लिख रहे थे, मैनुस्क्रिप्ट तब था, तो आए मिलने, तो रूप गोस्वामी अंदर से निकाल के लाए, उनको दिखाया कि देखिए मैं इस पर काम कर रहा हूँ, भक्ति रसामृत सिंधु पे काम कर रहा हूँ, ये किताब का नाम ये होगा, ये मैं काम कर रहा हूँ, और ये मेरा भांजा है रूप, तो जीव ये एडिटिंग भी कर रहा है इस पर, ठीक। तो उन्होंने जब देखा तो थोड़ी देर में निकल आए फॉल्ट उसके अंदर से, उन्होंने बोला ये तो आपने क्या लिखा हुआ है, मुक्ति को आपने पिशाचनी बोल दिया, मुक्ति डायन होती है, मुक्ति डायन कैसे होती है, मुक्ति डायन थोड़ी होती है। तो वो रूप गोस्वामी चुप हो गए, मैंने कहा अच्छा मैं देख लेता हूँ क्या, उन्होंने ये नहीं कहा उनके मुंह पर कि जी ये था ऐसा था, क्यों, उनसे उम्र में भी बड़े थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ वाले थे, कुछ नहीं कहा। अब जी गोस्वामी के साथ वो चले गए नहाने के लिए, उन्होंने बोला कि मैं नहाने जाना है, तो उन्होंने बोला ये मेरा भांजा है, ये चला जाएगा आपके साथ, आपके कपड़े कुपड़े भी संभाल लेगा, जमुना पास में ही है, ठीक। वो जब जमुना चले गए उस नहाने के लिए, तो वो जब वो नहा धो के बाहर निकले, तो जीव गोस्वामी ने बोला कि वो वल्लभ भट्ट जी वो जो मेरे गुरु जी ने लिखा है ना वो गलत नहीं लिखा, उन्होंने क्या है, तो कहते वो मैंने उन्होंने ये नहीं लिखा मुक्ति पिशाचनी है, उन्होंने लिखा है मुक्ति की कामना पिशाचनी है, कि जो आप मुक्त होना चाहते हैं इसकी जो कामना है, इसकी जो वासना है, ये डायन जैसी है, मुक्ति डायन नहीं है, मुक्ति क्यों डायन होगी। उन्होंने कहा अरे हाँ यार बात तो तुम्हारी सही है। और बाद में आए वो उन्होंने बोला ये तुम्हारा जो भांजा है तो बड़ा होनहार है, होशियार लड़का है, इसने तो बताया मैं गलती कर गया था। तो राही हमेशा रही है ऐसी,
तभी बोला कि समझदार डिसाइपल, वो बेवकूफ डिसाइपल जो होता है ना, आप बात सुने, ये जो डिसाइपल कोर्स, अच्छा मैं ये बात बता दूं, अच्छा वो आपने मुझे मौका दे दिया, ये तो हो सकता पूरा कोर्स निकल जाता, मैं बात मुझे याद नहीं आती। ये डिसाइपल्स कोर्स आपका क्या ख्याल है, आप सबका क्या ख्याल है, डिसाइपल्स के लिए बनाया गया? ये डिसाइपल्स कोर्स डिसाइपल्स से ज्यादा गुरुओं के लिए बनाया गया है? या पहले तुम बताए दे प्रभु जी, ये गुरुओं को शील्ड करने के लिए बनाया गया? नहीं नहीं, वो और है, वो तो बीइंग अ गुरु इन इस्कॉन कोर्स था, मैं डिसाइपल्स कोर्स की बात कर रहा हूँ। ये डिसाइपल्स कोर्स गुरुओं को शील्ड, नालायक डिसाइपल से शील्ड करने के लिए बनाया गया है, ताकि गुरु जो है नालायक शिष्य इकट्ठे ना कर ले और अपनी जान मुसीबत में ना डाल ले। किस लिए बनाया गया? नॉट जस्ट ये कि जो शिष्य जो है वो जज्बात में आके फैसला ना करें, उल्टा भी है, गुरु भी जो है जज्बाती डिसाइपल्स इकट्ठे ना कर ले और बाद में उनकी गले की हड्डी बन जाती है। गुरु सारे बदनाम ही होते डिसाइपल्स की वजह से, पूरे इस्कॉन का यही हाल है। लड़ते कौन फिरते हैं? गुरु आपस में बहुत कम लड़ते हैं, लड़ते हैं, मैं नहीं कह रहा नहीं लड़ते, बिल्कुल लड़ाई होती है, बहुत तीखी लड़ाई होती है, मगर उनके लड़ाइयां अपनी चार दीवारी के अंदर होती है। जीबीसी में होती है लड़ाइयां, जीबीसी की जब मीटिंग होती है लड़ाइयां, बहुत तेज लड़ाइयां होती है, मगर वो उस चार दीवारी के अंदर होती है। मगर जब डिसाइपल्स लड़ते हैं ना, वो चौराहे पे ले आते हैं उन लड़ाइयों को, तो इसीलिए वो क्यों, क्योंकि डिसाइपल नालायक होता है, जज्बाती होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि सिर्फ मेरा गुरु ठीक है बाकी सारे गलत है, ये तो बुनियाद होती है उसकी। और बताओ क्यों होती है? मेरा गुरु इसलिए ठीक है क्योंकि वो मेरा गुरु है, इसलिए नहीं कि वो ठीक है, मेरा गुरु है तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं, अरे भाई मेरा गुरु है, अब बात समझ आ रही है? उसका जो आपके गुरु का सबसे बड़ा क्रेडिट ही है वो आपका गुरु है, लिहाजा वो गलत नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु मैं तो ये पूछ रही हूँ कि अगर कोई व्यक्ति को कोई अच्छा गुरु नहीं मिलता, जैसे अभी कृष्णलाल प्रभु ने बोला कि उसकी तो इच्छा यही है कि घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ये हो, उसको अगर अच्छा गुरु ही नहीं तो उसको समझ आएगी कि इधर से शास्त्रों को पढ़ के भी उसको तो यही इंतजार करना पड़ेगा अच्छे गुरु का। ये नहीं है कि गुरु अच्छा मिलेगा नहीं, आज भी मिलेगा थोड़ा ना? इसका मतलब है हमको पहले शिक्षा गुरु तो हमको स्वीकार करने चाहिए ताकि अच्छे शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु भी आपको कैसे पता है शिक्षा गुरु है नालायक है? बात कोई फर्क नहीं पड़ता दीक्षा गुरु है शिक्षा गुरु है, गुरु गुरु है ना, जब वो गुरु है तब वो गुरु है। उसको जब आप अपना रहे हैं, उसको अपना आपने क्यों अपनाया? कोई आपसे पूछे कि जी आपने फलाह को अपना शिक्षा गुरु बनाया, क्या देखा आपने उनके अंदर? जैसे शादी होती है कि भाई आपने फलाने लड़के से शादी की या लड़की से शादी की, क्या देखा इसके अंदर? तो ये बात हो रही है, ये जरूरी है। तो हम सब भी तो पहले ना समझते, हमको यही पता था कि जीवन यहाँ एंजॉय करना ही जीवन है, कोई गुरु मिला तभी तो हमें ये शिक्षा मिली कि भाई ये जीवन नहीं है, आपके जीवन का लक्ष्य कुछ और है, आप किधर और जगह पे जा रहे हो। जब ये बात हमें किसी को स्वीकार करेंगे तभी तो कोई बताएगा। तो इसके लिए जो है, तभी मैं बात बता रहा हूँ, आप गुरु वर्ड को जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं एक्चुअली, इसके लिए गुरु जरूरत नहीं होता। गुरु क्योंकि आपने देखा ना, गुरु हमने जब भक्ति से सामने सिंधु में भी वो चीज देखी, अभी भी हम बात कर रहे हैं कि आप गुरु म्यूचुअल एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है, और वो म्यूचुअल एक्सेप्टेंस कब होती है? जब आप एक दूसरे को परख ले, अभी आएगा इसी चैप्टर के अंदर, अभी आएगा परख सिलेक्शन के अंदर, परखने का सिस्टम आएगा, एक साल देखेंगे सारे उसके जो शवायद देखेंगे, एक साल तक परखना सर, इतना आसानी से ना ले, मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, पछताएंगे आप। माता जी मुझे नहीं पता आपके वहां का क्या तजुर्बा है, हमने यहाँ पर देखा हुआ है, आज आपने शिक्षा गुरु बना लिया किसी को, कल उसके साथ लड़ाई होगी आपकी। ये शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु डिसाइपल जो है ना, ये आपके क्या कहते हैं वो, इस तरीके का नहीं होता मामला कि जी आज मैं मेरी मन मुटाव हो गया उसके साथ, आज मेरे शिक्षा गुरु के साथ पटनी रही है, आज मेरे इसके साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा? वो शिक्षा गुरु बोलेगा ये क्या कहते हैं गद्दार निकला, बेवफा निकला, ठीक है, और वो ये बोलेगा जो डिसाइपल है, ये शिक्षा गुरु के नाम पर जो मुझे दबा रहे थे मुझे एक्सप्लॉइट कर, ये अभी का रोना अच्छा है, इस पे फूक फूक पे कदम रखने वाली चीज है,
मैं बार बार ये कह रहा हूँ, और जो आप कह रही है बात कि मुझे कैसे पता चलेगा, उसके लिए तभी शास्त्र है, साधु है। ये जो आप जब एक इस्कॉन का प्रवचन सुनते हैं कहीं पे भी, यही से आता है ना, आप यही कहना चाह रही है ना, या जो का प्रचारक मान लीजिए घूम रहा है, आप इस्कॉन के किसी सेंटर में आए, या उल्टा कर लीजिए, आप सड़क पे हैं और आप किसी प्रचारक ने आपको पकड़ा, एक किताब पकड़ाई, वो गुरु नहीं है आपका, वो साधु है। जी जी। जैसे जैसे नारद मुनि थे, नारद मुनि अपने घर पर रह रहे थे, चार महीने के लिए भक्ति वेदांत आए, यानी कि जो कुछ साधु है चातुर्मास, चार महीने वो वहां रहे, उनकी माँ ने उनकी सेवा की, उसको बेटे ने उनकी सेवा की, मतलब समझ साधुओं से, मतलब समझ साधुओं से ले लो उसके बाद। साधु साधु, यस साधु, साधु और शास्त्र, ये जो है आपकी बेसिक बुनियाद, ये कंप्लीट नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट होगा जब आप कोई शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु आपके जिंदगी में आ जाएंगे, तब जाके कंप्लीट होगा, अभी ये इनकम्प्लीट है, मगर इतना होना जरूरी है। अगर आपको गुरु क्या होता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो जाहिर बात है आप मान के चले आप ठगे जाएंगे। भाई अगर आप सोना खरीदने चले हैं, आपको सोने और पीतल का फर्क नहीं पता, दुकानदार की तैश हो गई। तो ये आइडिया है इसका, हरगिज ये बात नहीं, यहाँ पे कोई गुरु की इम्पोर्टेंस कम नहीं हो रही है, गुरु की इम्पोर्टेंस क्या है वो बताने की कोशिश करी जा रही है। तभी बार बार कह रहे कि जो आपका चुनाव हो, जो आप गुरु चुने, उसके अंदर आपकी अकल शामिल हो, सोच विचार करने के बाद आपका फैसला। देखिए अगर आपका फैसला है तो आप जिम्मेदारी लेंगे, इस कौन में कितने लोग हैं पीठ पीछे बोलते हैं, और मुझे यकीन है इस फोरम के अंदर भी ऐसे लोग शामिल होंगे जो बोलते हैं बाद में, जी जी जी, जी मेरी ना दीक्षा हो गई, अब मैं पछता रहा हूं, अब मैं किसी को बोल नहीं सकता। यस, अब मैं बोल नहीं सकता किसी को, क्योंकि तब तो मैंने ले ली दीक्षा, तब वो बोलते हैं कि फलाने के बहकावे में आके उसने मेरे पर प्रेशर डाला, उसने मुझे ऐसा ऐसा करा, तो इमोशनली ब्लैकमेल भी करा, तरह तरह की बातें सुन के, या खुद मैं कॉम्प्लेक्स में आ गया, मेरे आसपास सबकी दीक्षाएं हो रही है, मेरी नहीं हो रही, तो मैं भी लग लिया लाइन पे, मेरी दीक्षा तो हो गई, अब मैं पछता रहा हूं यार, तो अब अच्छा अब जाके मुझे मिला है कोई ऐसा मेरे मन मुताबिक, कि काश मुझे ये पहले मिले होते, मैं इनसे दीक्षा लेता। इस सूरत में क्या करना चाहिए, अब क्या करो, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसीलिए बार बार ये बात हो रही कि थोड़ा सा इत्मीनान से थोड़ा रुक जाए। अच्छा इस्कॉन में दीक्षा कैसी होती है, कई बार मैं आपको ये भी बताऊं जी, ये ना फलाने गुरु जी के ना, वो फलाने गुरु जी 70 साल के हो गए, ये ना कभी भी शरीर छोड़ देंगे, जल्दी जल्दी दीक्षा ले लो, ये कभी भी शरीर छोड़ देंगे तो जल्दी जल्दी दीक्षा ले लो। तो अच्छा मान लीजिए फलाने गुरु जी अगर शरीर छोड़ देंगे, मैं बात आगे लेके जा रहा हूँ, इस्कॉन में गुरु खत्म हो जाएंगे सर, बंद हो जाएगा इस्कॉन। तो ये इस तरीके से लोगों को बरगला के बहका के जो बेवकूफ बना के, ठीक है ना, ऐसे ये सब चीजें होती हैं, हो सकता है पाकिस्तान में भी होती है, मुझे नहीं पता, यहाँ तो होती थी बहुत ज्यादा, अभी भी होती है, थोड़ा थोड़ा होती है, पहले से बहुत कम हो गए डिसाइपल्स कोर्स के बदौलत। तो ये है, तो इसीलिए इन चीजों से बचना धीरे धीरे, अब धीरे धीरे हम आगे चलेंगे। जैसे अभी हमने सबसे पहले हमने देखा कि प्रभुपाद, तो अब प्रभुपाद आश्रम में बात करी है, एक सेकंड मैं जरा देख लू, मैं ना या अच्छा चलिए ये तो हमने बातें कर ली, हाँ नहीं ठीक है ये बातें हमने कर ली, अब मैं एक दूसरा सवाल पूछता हूँ आपसे, ये तो सवाल नहीं था, ये तो मैंने कोट डाला था और उस पर डिस्कशन हो गई। आपके हिसाब से, आप सबका अपना अपना तजुर्बा भी है, तो आपके हिसाब से एक जो शिष्य है, तो होने वाला शिष्य है, उसके अंदर कैसे गुण होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए एक शिष्य के अंदर, क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी 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 प्रभु जी, सबसे पहले तो क्यूरियस होना चाहिए जानने के लिए, वो इनक्यूजिटिव होना चाहिए, और जैसा कि आपने एक बहुत अच्छी क्वालिटी हाईलाइट की शिष्य की, कि उस सोच विचार करके ही सारे काम करने चाहिए, वरना तो पतन, वो तो रजस हो जाएगा ना प्रभु जी, कि वो सोशल इन्फ्लुएंस में आकर। थैंक यू पुरुषोत्तम प्रभु जी, यस थैंक यू। अपने राम सेवक प्रभु जी हाथ खड़े किए हुए जी। हरे कृष्ण। एक मिनट, राम सेवक प्रभु ने हाथ खड़ा किया हुआ, मैं उनको, वहां पे तीन चार लोग होते हैं एक्चुअली,
आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा कोई बात नहीं, फिर आगे चलते वापस आ जाएंगे। और किसने हाथ खड़ा किया? राजकुमार जीरावाने जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने 3 मरतबा हाथ रेज किया है, आपने मैंने से पूछा ही नहीं। नाम लिया था, हाँ नहीं माफ कीजिए, मैं देखिए एक बार देख नहीं सका मैं, देखिए मैं सबसे माजरत, मैं कुछ बोलना चाह रहा था, चलो वो मैं भी भूल गया। अभी शिष्य यही होना चाहिए जिसको कृष्ण प्रेम, जिस बंदे में कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए जुस्तजू हो, वही शिष्य हो सकता है। जिस शिष्य को ये भौतिक आसक्ति के जो कामों में दिलचस्पी कम हो, उसको सिर्फ मात्री अपनी जरूरी काम के लिए वो करे, ज्यादा उसको कृष्ण प्रेम के लिए प्राप्ति हो, तो वही शिष्य हो सकता है। उसी को जुस्तजू होगी गुरु करने की, वही आगे बढ़ सकता है। ओके वेरी गुड, थैंक यू। या प्रिया वाला मामा जी गो अहेड। भगवान ने बताया है तद्विद्धि प्रणिपाते ना, उसको प्रणिपात करना है, और परिप्रश्न ना उसको जिज्ञासु होना चाहिए, और सरेंडर लेवल होना चाहिए उसका। या इंक्विजिटिव, वही जो पुरुषोत्तम गोविंद जी ने कहा इंक्विजिटिव, वेरी गुड। ओके और भी चीज, ओके भैया आ गए क्या नाम है अपने राम सखा प्रभु, आ गए आप? राम सखा प्रभु नहीं आए जी। हरे कृष्ण, कौन संसार के दुखों से तंग आ गए, भगवत धाम जाकर बहुत सुख लेंगे, आराम से सो जाएंगे, तो ये क्लियर होना चाहिए। वहां भी हमें जाकर सेवा ही करनी है, कोई आराम नहीं करना है, तो ये क्लियर होना चाहिए। जी हाँ बहुत अच्छा, आराम आराम है वहाँ, एक्चुअली सेवा ही वहाँ का आराम है। दरअसल सेवा ही वहाँ का आराम है, सेवा हमें यहाँ पर हमें जोर पड़ता है सेवा करने में, वहाँ ऐसा नहीं है। सो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके राम सखा प्रभु जी। जी इसमें एक वो साधु बोलते हैं ना हमारे पास, डॉक्टर सर्वभूमा आते हैं, वो बोलते हैं संडे वाले दिन आप छुट्टी नहीं समझो, जो छुट्टी दिनों उसमें सेवा ज्यादा करो। आराम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखो, जिस दिन छुट्टी हो उस दिन आपको सेवा डबल करनी चाहिए। सेवा का मतलब है वो, मतलब ये नहीं है कि आपके जोर पड़ रहा है आपको सेवा, सेवा का मतलब है आप खुश होके कर रहे हैं। हाँ भक्ति माना ज्यादा करनी चाहिए। जी जी आप खुश होके जाए, बिल्कुल दिल से करें। जी या राम सखा प्रभु जी। अरे कृष्णा प्रभु, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन नहीं था, और लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं कुछ, मैंने जो उसका साइकिल की वजह से 3-4 क्वालिटीज बताई गई, जिसमें मैं जो है वो ओबीडिएंट होता है गुरु के, वेरी ओबीडिएंट टू गुरु, प्रणिपात प्रमिटपात का मतलब ओबीडियंस बेसिकली। गुड ठीक है, तो ये कुछ कुछ क्वालिटीज डिसाइपल की है, अब इसको मतलब ध्यान में रखिएगा जब हम आगे बात। हरे कृष्ण प्रभु करेंगे। आवाज आई? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी पुरुषोत्तम जी। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर पहले से ओबीडियंस की क्वालिटी होगी तो वो मतलब काउंटर क्वेश्चन कैसे करेगा व्यक्ति? नहीं हाँ, तो ओबीडियंस का हरगिज मतलब ये नहीं, बाद में होनी चाहिए ना प्रभु, जब ये गुरु एक्सेप्ट हो जाए, एक्सेप्ट कर ले व्यक्ति। जो आप कह रहे हैं मैं समझ गया, यहाँ पर ओबीडियंस का मतलब कुछ आ रहा है, प्रणिपात का मतलब ये नहीं कि वो पहले ही जाके जो है उनके मतलब पैरों में पड़ जाएगा, आइडिया इज कि वो उनके जो बेसिक नियत उनके खुलूस पे शक नहीं करता। जी जी प्रभु जी, ये वो तो जब सवाल जवाब करेगा जब पता चल जाएगा बंदा जेन्युइन है कि नहीं है। जी प्रभु जी, जेन्युइन है तो ठीक है, नहीं तो दूर से राम राम। प्रभु जी मतलब तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो जाके जो है उनके सामने जो है हाथ बांध के खड़ा हो जाए। जी जी प्रभु जी, मैं ये खाली इतना जानना चाह रहा था कि पहले सरेंडर आना चाहिए ना, बाद में ओबीडियंस, कि मतलब पहले आप जांच ले कि ये वाकई गुरु है। वो सरेंडर का मतलब कुछ और है, वो सरेंडर देखिए थोड़ा थोड़ा फर्क है, दो लफ्ज है, सरेंडर और सबमिशन एक जैसा ही है, पर इस कॉन्टेक्स्ट में जो है इनके मायने थोड़े से अलग होते हैं। वहां सबमिट का मतलब है कि मैं अपनी जैसे अगर अपनी बात रख रहा हूँ, जैसे हम कहते हैं ना हम अपनी बात रख रहे हैं आपके सामने, तो उसको बात को सबमिट करना कहते हैं अंग्रेजी में, अपनी बात को मैं सबमिट करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो है डोरमैट की तरह भेज गए हो अभी आपके आगे, ठीक है ना, मैं अभी बात की बात रखी है अपने आपके सामने, तो अगर वो जो है हम सवाल जवाब जो भी हम कर रहे हैं उससे मुझे ये भरोसा हो जाता है कि हाँ ये है बंद। जैसे हम प्रभुपाद के एग्जांपल पे देखते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि जब मैं वहां से निकला
तब मुझे अंदर से जो ये था कि हाँ ये एक ऐसा बंदा है, मैं पहली बार किससे मिल रहा हूँ जिसके हाथ में चैतन्य महाप्रभु का की जो तहरीक है ये महफूज है। जी प्रभु जी, मतलब एग्जैक्टली स्टेटमेंट थी। तो ये था। हालांकि उन्होंने 11 साल बाद दीक्षा ली, ये 1922 का वाक्य है, 1933 में प्रभुपाद ने 11 साल बाद। जी प्रभु जी, मगर प्रभुपाद को बात याद थी। तो ये चीज तो ऐसा नहीं किया प्रभुपाद ने कि अच्छा जी साधु हुए तो जाके लेट गए उनके आगे। हाँ तो सवाल किया, बिल्कुल सवाल से वो मुतमईन हुए। उन्होंने क्या कहते हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को जीत लिया। जी प्रभु जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब हम चलते हैं, चलिए अभी हमारे पास भक्त तो है, आ जाओ राम एक प्रभु जो कह रहे थे तो आप प्रभु जी आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते। इस्कॉन गुरुज एंड इस्कॉन अथॉरिटीज, ठीक है, तो ये चार्ट आप सबके किताब में मौजूद है और ये चार्ट पकड़ के जो है अभी आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे क्या है ये, सर पाओ कुछ समझ नहीं आ रहा इस चार्ट का, तो मगर फिर भी आप लोग इसको देख ले। एक कर दो, हरे कृष्ण, ठीक है। तो एक बार 2-5 मिनट लगा लीजिए इस चार्ट पर, उसके बाद बात करते हैं। हालांकि मुझे पता है 2-5 मिनट में कुछ नहीं, इतना कुछ खास बनेगा नहीं, तो भी एटलीस्ट अपने तरफ से कोशिश कर लीजिए। कौन सा पेज है हिंदी में? हिंदी में माता जी 23 है पेज। हरे कृष्णा, हिंदी में 23 है माता जी। ओके, मंदिर निवासी भक्ति युक्ति केवल ये नीचे देखिए हिंदी में अंग्रेजी में हर जगह पे ना छोटा सा नोट दिया हुआ है, मेरे ख्याल से उर्दू में भी होना चाहिए कि ये रेफरेंस के लिए है, एक एप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्टली इसको ऐसे काम नहीं करता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु, कैसा लग रहा है ये? प्रभु ऐसा एक जाल सा लग रहा है पूरा है जाली है और लेकिन ये पूरा का पूरा जाल जो है शिला प्रभुपाद जी के अंडर में है। उसके बाद यस ऐसे ही प्रभु ठीक है।
और सारी की सारी चीजें फिर जीपीसी के अंडर में आती है। मतलब शिला प्रभुपाद ने पूरा इसको जीपीसी के हवाले किया हुआ ऐसा लग रहा है। भगवान करे, भगवान करे हम इस जाल में रहे वरना मगरमच्छ खा जाएंगे। चले चले ये भी एक अच्छा या एक अच्छा नुकता है नजर है। ओके मतलब ये शिला प्रभुपाद ने जीबीसी बनाई और जीबीसी गुरु सेवा कमेटी को भी लीड करती है, संन्यास मंत्रालय को भी जीबीसी लीड करती है, संन्यास को भी जीबीसी लीड करती है और जीबीसी का रिप्रेजेंटेटिव इलाकाई अंजुमन है। यहाँ से हमारा श्यामानंद कृष्णदास प्रभु है पाकिस्तान में समझाऊं जी। गुरु सेवा कमेटी, हाँ गुरु सेवा कमेटी से गुरु सिलेक्ट होता है, फिर गुरु के ही जरिए मंदिर निगरान होता है, मंदिर के रिहायशी शिष्य उनको देखा जाता है और नाम हट प्रोग्राम होता है। देखिए इसके अंदर वो एरोस जो है कन्हैयालाल जी आप देखिए वो एरोस दो तरफा है, एक तरफा नहीं है। अच्छा सही, दो तरफा है प्रभु जी। कुछ जगह पे एक तरफ, कुछ जगह पे एरो एक तरफा है और कुछ जगह पे एरो दो तरफा है। मतलब जीबीसी तो है अथॉरिटी, वो डायरेक्ट सेवा कमेटी गुरु सेवा कमेटी बनाती है, संज्ञान मंत्रालय को भी उनको मतलब सुपरवाइज करती है। वो एक तरफा है, वो एक तरफा है, बिल्कुल सही है। अब नीचे जाएं, नीचे जाएं इलाकाई अंजुमन है तो वो सन्यासी से भी रابطे में रह सकते हैं और सन्यासी उनसे रابطे में रह सकते हैं। ये दो तरफा है, दो तरफा है बिल्कुल, दोनों तरफ पूछताछ हो सकती है, जीबीसी देख सकती है उसको। हाँ जीबीसी सब सबको सुपरवाइज कर रही है मेनली, और इलाकाई अंजुमन गुरु से भी रابطे में रह सकते हैं अपने इलाके के और गुरु इलाकाई अंजुमन से रابطे में रह सकते हैं। प्रभु इसमें ये समझ आता है कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है जीपीसी के अंडर में आता है और जीपीसी इसको देख चलाता है जी। और ये जब तक ही सही रहेगा जब तक हम जीपीसी के निगरानी में काम करते रहेंगे। ठीक है ये तो ठीक है ही। अब देखिए थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा नीचे आए हमारे हमारे अपने हमारे लेवल पे से रابطہ नहीं, हम जीबीसी से रابطہ नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो, जरूरत पड़ेगी वरना हमें गुरु के आश्रम में रहना और इलाकाई अंजुमन जो है उनसे रابطے में रहना। हमारे लेवल पे आ जाइए, नीचे आइए। मंदिर के रहायशी और शादीशुदा वर्ग, हाँ ये है, ये हम है। हाँ तो वो सिर्फ गुरु से رابطہ कर सकते हैं और फिर इलाकाई अंजुमन से कर सकते हैं, बस इलाकाई अंजुमन। जी हाँ जी हाँ, देखिए ये मैं कुछ कुछ चीजें, अब मुझे पता नहीं पाकिस्तान का स्ट्रक्चर कैसा है और तभी इसके नीचे भी लिखा हुआ है। देखिए अगर आप देखें इसके अंदर, मैं अंग्रेजी वाला पढ़ देता हूँ। ओ सॉरी आपको पता नहीं स्क्रीन पे क्या दिखा रहा है, स्क्रीन पे तो ये वाला दिखा रहा होगा ना, स्क्रीन बदल देता हूँ। मैं अंग्रेजी वाला खोल रहा हूँ जस्ट। ये देखिए जैसे नीचे लिखा हुआ है, द अबव चार्ट इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। ये जो बनाया है अभी आपके लिए, ये तो सिर्फ यहाँ पर ये जो हम तालीम हासिल कर रहे हैं उसके लिए ये चीज बनी हुई है, अदरवाइज इट्स नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैंडेट। दरअसल जब ये इस्कॉन का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, जब निजाम चलता है इसका, तो वो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये आपको आपको ये लग रहा है ना जाल कॉम्प्लिकेटेड, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसमें और भी जो है फैक्टर्स आ जाते हैं, उनका शुमार करना पड़ता है। It illustrates that ISKCON members all serve under the discretion of Darshana Prabhupada and GBC. ये सभी ने पकड़ लिया इसको, कि इससे सिर्फ एक पैद चीज जो बिल्कुल साफ होती है कि ISKCON के सारे जो मेंबरान हैं, वो प्रभुपाद और GBC के मातहत जो है सेवा करते हैं। And in ISKCON we all have multiple authority. ये है इसका मकसद, असली मकसद जो है इस चार्ट का वो ये है। In ISKCON we all have multiple authorities. इस्कॉन के अंदर एक ऐसा सिस्टम नहीं है कि बस एक गुरु है, गुरु का शिष्य हो गया, खत्म हो गई बात। और अधिकारी भी ये होता है, ये होता है बाहर, जैसे होता है जहाँ पे जैसे गद्दी सिस्टम होती है जो हम कल बात करते हैं, वो प्रिया वल्लभी माँ जी भी कह रही थी कि लोग गद्दी नशीन होते हैं उसके बाद उसके चक्कर में पड़े रहते हैं, तो वो बाहर होता है। बाहर ये सिस्टम है कि एक गुरु है, उसके चेले हैं, बात खत्म हो गई। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ मल्टीपल अथॉरिटीज है, कई सारे जो है आपके whom we should respect and serve in a cooperative spirit. तो उनका जो है उनका हम एहतराम करें और उनके साथ जो है मिलजुल के हम काम करें। आप देखते हैं ये मिलजुल के काम, मल्टीपल अथॉरिटीज कौन है। देखिए ये तो समझना बहुत आसान है, एक शिष्य के लिए जो गुरु उसकी अथॉरिटी है, ठीक हो गया ना, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मगर अब क्या हो रहा है,
अच्छा आपने एक चीज नोट की है, जीबीसी का औहदा गुरु से ऊपर है, नोट की है बात? जी, प्रभुपाद के बाद जीबीसी, उसके बाद नीचे गुरु और सन्यासी, नीचे गुरु आ रहे हैं। क्या ख्याल आपका, ऐसा क्यों है? क्या ख्याल आपका, ऐसा क्यों उल्टा नहीं होना चाहिए? पहले गुरु होना चाहिए, फिर जीबीसी होनी चाहिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने होते सराते जीपीसी को सब काम सौंप दिया था कि आगे चल के कोई ऐसा विघन न हो इस संस्था में, तो सब चीज जो है ये संस्था जीपीसी देखेगी, उसके बाद जो है गुरु का काम शुरू होता है, क्योंकि गुरु भी तो गड़बड़ीशन कर सकते हैं ना, प्रभुपाद जी का आगे की सोच थी सब कुछ। हरे कृष्ण। ठीक है जी, रोहिणी नंदन जी, नहीं रुको, रोहिणी नंदन हाथ खड़ा किया हुआ, रोहिणी नंदन जी, बेसिकली ये सब बेसिकली ये जो सब ढांचा बना है ये भक्ति सिद्धांत का सरस्वती गोस्वामी जी खुद चाहते थे, उस समय बना नहीं, तो प्रभुपाद जी ने वही सब कुछ हेजिटेज रखा, प्रभुपाद ने देखा लड़ाई झगड़े थे, बहुत फसाद थे, तो प्रभुपाद जी ने अपने होते हुए वही भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी की ख्वाहिश को पूरा किया और जीबीसी के जिम्मे सारा काम सौंपा, गुरु भी संन्यास भी सब कुछ उनके जिम्मे सौंपा। बिल्कुल, एक्चुअली बिल्कुल सही, आपने सही पकड़ा, फसाद की जड़ गौड़ीय मठ में यही थी, जीबीसी बनाया था। बिल्कुल, अच्छा आदित्य जो गुरु महाराज जीबीसी को फॉलो नहीं करते हैं तो वो इस्कॉन में नहीं हो सकते हैं, मेन चीज है जो, इसलिए जीबीसी ऊपर है क्योंकि जीबीसी मतलब ही है प्रभुपाद, जीबीसी का मतलब है कि वो प्रभुपाद प्रभुपाद के का जो मिशन है उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी उसकी है, हर किसी के ऊपर एक जिम्मेदारी आयत होती है, उसके ऊपर इसके। या जीरावानी जी ने हाथ खड़ा किया था, फिर दीपक कुमार जी। प्रभु इस चार्ट से हरे कृष्णा ये पता चलता है कि इस कोन में हर कोई गुरु नहीं अपने आप को केला सकता, जब तक जीबीसी उसको छांट के चेक एंड बैलेंस करके वो अनाउंस करेगी फिर वो गुरु हो सकता है। इस चार्ट से ये अच्छा है कि वो चेक एंड बैलेंस का सारा सिस्टम जीबीसी चेक एंड बैलेंस। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत बहुत जबरदस्त एक बात पकड़ी आपने, ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। बहुत अच्छा पकड़ा आपने, ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, दोनों चेक एंड बैलेंस। पता है कैसा होता है ये, मैंने देख लिया है, राजकुमार जी बोल चुके हैं, दीपक कुमार जी ने बोलना है और शहजाद जी आ रहा हूँ सबके पास आ रहा हूँ, मैं देख लिया आ रहा हूँ, आगे नहीं जाऊंगा, सबकी राय लेके जाऊंगा। पता नहीं आप लोगों के वहां पे स्कूल में ऐसा होता नहीं होता, हमारे यहाँ ना बचपन में स्कूल में ना पनिशमेंट देते थे, कई बार बच्चों को सजा मिलती थी, वो पता नहीं आप लोगों के वहां ऐसा होता नहीं होता, वो ना ऐसे होता भी मिलते हैं। नहीं मिलती तो होगी, मैं जो सजा का जो तरीका है वो बता रहा हूँ, क्या होता था, दो बदमाश बच्चे होते थे, दोनों एक शरारत करते हुए पकड़े जाते थे, दो बच्चे पकड़े जाते थे, दोनों को बुलाते थे और बुला के दोनों को आमने सामने खड़ा कर देते थे एक दूसरे के ऐसे करके, फिर इसको पहले वाले को बोलते थे इसका कान पकड़ो दोनों, दूसरे वाले को बोलते थे इसके कान पकड़ो दोनों, दोनों ने एक दूसरे कान पकड़े हुए, अब कहता वो उठक बैठक लगाओ। तो अगर अगर आपने आप बैठना शुरू हुए हो और उसके कान पकड़े हुए हैं तो दूसरे वाले को बैठना पड़ेगा तो मर जाएगा वो दर्द से। तो क्या है, दोनों एक दूसरे का कान खींचते थे, दोनों एक दूसरे को उठक बैठक होता था तो दोनों इकट्ठे नीचे जाते थे, दोनों अपने आप सीधे रहते थे। तो ये चेक एंड बैलेंस का ये मतलब होता है, इसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस। जीबीसी ने गुरु के कान पकड़े होते हैं, गुरु ने जीबीसी के कान पकड़े होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को वो जितना तेज खींचेगा वो भी उतना तेज खींचेगा, बिल्कुल सीधे रहते हैं। ठीक है, ये सिस्टम है। हाँ जी दीपक कुमार जी। हरे कृष्ण प्रभु। ऐसा भी हो सकता है कि एक गुरु के शिष्य के संबंध में कभी ऐसा देखा जा सकता है कि गुरु के बारे में कोई शिकायत हो तो वो डायरेक्ट गुरु से नहीं कह सकता, वो जीबीसी को लेटर लिख सकता है, फिर जीबीसी उसको वो मतलब कंट्रोल में लाएगी, तो इससे गुरु शिष्य का संबंध भी खराब नहीं होगा और वो राइट चलेगा सिस्टम। बिल्कुल ऐसा हुआ है, ऐसा कई बार हुए, ऐसा अभी भी होता है, हम इस चीजों को आगे देखेंगे, इसके तो आपको डिपार्टमेंट्स हम बात करेंगे इन चीजों पे। हां जी शहजाद जी, मतलब शहजाद जी के अकाउंट से लॉग इन किया जी। प्रभु जी ये जो है ना, मैं इस चार्ट में ये भी देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो दो तरफा वाले वो गुरु की तरफ है, बाकी तकरीबन सिंगल है या डबल भी है, लेकिन ज्यादातर वो एक, हाँ वो एक मतलब अप्रोक्सीमेट है। अब देखो ना, यहाँ पे भी दोनों है, जैसे ये देखिए
नामट्टा, पता नहीं आपका वहां पे नामट्टा होते हैं, यानी कि जो मंदिरों में जो जो ये तमाम जो कार्यक्रम होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, तब प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर होते हैं, तो जैसे वो आप लोगों के वो गौरनिताई भवन में प्रोग्राम होता है या तमाम अलग जगह छोटे सेंटर्स में, तो सेंटर ये सेंटर हेड्स है, वहां हो सकता है मंदिर ना हो, जहाँ मंदिर होगा तो वहां मंदिर में जो है मंदिर का टेम्पल प्रेसिडेंट होगा, और जहाँ मंदिर नहीं है छोटे छोटे सेंटर है तो वो भी दो तरफा है, वो देखिए वो गुरु को अकाउंट, वो गुरु से बातचीत है, गुरु की भी उससे बातचीत है, दो तरफा एरो जा रहा है, ये देखिए वाला एरो दोनों तरफ जा रहा है, ठीक है। सो ये ऐसा है, तो शिष्य की तरफ से तो है ही है कि वो इधर बात कर सकते हैं, वो भी इधर बात कर सकते हैं, रीजनल बॉडीज भी ऐसे। संन्यास मिनिस्ट्री इसलिए लिया हुआ है यहाँ पर कि एक एग्जाम्पल जी, हरे कृष्णा आवाज आई, हरे कृष्णा, हाँ जी नाम बताए प्लीज, मैं ना देख नहीं पा रहा। हरे कृष्ण शहजाद जी, जी शहजाद जी जी फरमाइए। मैं ये शॉर्ट में ये देख रहा था प्रभु जी के ज्यादा जो एरो हैं डबल वाले और सिंगल वाले भी गुरु की तरफ ज्यादा हैं, बाकी तो सिंगल, सिंगल हैं अपने अपने अथॉरिटी की तरफ होंगे ना, तो आपको क्या लगता है इस्कॉन में गुरु बनना आसान थोड़ी है, चारों तरफ से जूते पड़ते हैं, आसान तो नहीं है। जो नीचे होते हैं ना जो लोग, उनको लगता है तो गुरु तो बड़े मजे मार रहा होगा, मौज कर रहा है, गुरु की मौज हो रही है, गुरु की मौज नहीं होती, गुरु बहुत जूते खाते हैं। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे भीष्म पितामह के जो चारों तरफ से चीज चाहिए, तभी वो राय रास्ते पे रहता है। इस्कॉन के अंदर जो है गुरु को इतना बांस पे नहीं चढ़ाते, चढ़ा के देख चुके, उसको चढ़ा के देख चुके, तो इसीलिए जो तजर्बा हमारा हो गया, तो उसके बाद से गुरु की पोजिशन जो है उसको बहुत अकाउंटेबल बनाया गया चारों तरफ से, ठीक है, तो उस पे नजर रहे। आप देखेंगे गुरु सिलेक्शन वही जो जो आपका जो पीछे हर हर हैंडबुक के पीछे जो इजाफिया है ना, वो इजाफिया जरूर पढ़े आप लोग, वो जरूर पढ़े, उसके अंदर तमाम शरायत जो है वो वहां मौजूद है, इजाफिया जरूर पढ़े सब लोग। अच्छा और कौन रह गया जी? जी हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, मैं ये पूछ रहा था जैसे कि अभी आपने बताया के गुरु की जो कंप्लेंट है हम जीबीसी से जो है वो कर सकते हैं, तो ये एक अपराध नहीं होगा हम अपने गुरु की कंप्लेंट जीबीसी से करें? क्यों अपराध क्यों होगा, कहाँ लिखा है? कर सकते, बिल्कुल कर सकते, करना बनता है, आपको इसके अलावा एक और लाइन मैंने रीड की थी कि अगर हम स्कूल से दीक्षा लेते हैं उसके बाद दूसरे गुरु का प्रचार हमें नहीं सुनना चाहिए, तो वो 95% शिला प्रभुपाद को ही फॉलो कर रहा है, और अगर हमारे शिक्षा गुरु का प्रचार नहीं सुनना चाहिए। देखिए बात आप किसी की भी सुन सकते हैं, मगर ये है कि आपकी जो लाइन है, अगर आपने एक अगर हमारा शिक्षा गुरु आएंगे इस चीजों में, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ये अभी आगे आएगा, ये अभी अभी का टॉपिक नहीं है, आएगा इस पर तफसील से बात करने की जरूरत है, आएगा, इसका उनका तजुर्बा अच्छा नहीं है, इस पर तजुर्बा जो है अच्छा नहीं है, वो आप इस्कॉन का तजुर्बा सुन लीजिएगा, उसके बाद फैसला कीजिएगा। जी अमित कुमार जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, माला माता जी, एक मिनट में पहले अमित कुमार जी को बोल रहे हैं, मुकम्मल कर रहे हो। हरे कृष्ण, हाँ डिस्टर्बेंस आ रही है, अमित के ही सेलफोन से बात कर रही हूँ। अच्छा, अच्छा, हाँ, अब आई आवाज, नहीं एक्चुअली पीछे हवा चल रही है, पता नहीं क्या चल रहा है, आवाज आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इस ये जो टेबल बनाया गया इससे मतलब हम ये कह सकते हैं कि जीबीसी को पूरी अथॉरिटी है हर जगह, मतलब वो अपनी राय पेश कर सकते हैं चाहे वो गुरु का हो या कुछ भी, ये टेबल में ये अंदाजा लगा सकते हैं ना? ऐसा ही है, और जीबीसी भी इंडिपेंडेंट नहीं है अब तो, जीबीसी भी इंडिपेंडेंट नहीं रही। अच्छा, हाँ अब तो वो भी नहीं, ये भी क्योंकि टेबल पुराने हैं, अब तो जीबीसी के लिए भी बॉडीज बन गई हैं, एक एक बॉडी का नाम है सभा, SABHA, अगर आप लोग चाहे तो इंटरनेट पे गूगल कर सकते हैं सभा। प्रभु जी सभा जो है, सभा जो है एक ऐसा बॉडी है तो उसमें नॉन जीबीसी मेंबरान है, नॉन जीबीसी मेंबरान है जो जीबीसी को जो है कई बार जो है वो जीबीसी को हर कई मामलों में जो है सजेशंस देती हैं,
कि हो सकता है जीबीसी से भी कुछ चीजें छूट गई हो, उनके नजर में ना आ रही हो, या जीबीसी के कुछ फैसलों से जो है जो बाकी जो डिवोटीज है इत्तेफाक राय ना रखते हो। तो यहाँ तक आ चुका है कि जीबीसी को भी जो है फिर सजेस्ट करने के लिए बॉडी बनाई गई है सभा, और जीबीसी को ठीक है जीबीसी पे जो है अपने फैसले जो है वो नहीं लाद सकती, मगर जीबीसी को जो है वो उसके सामने बातें रखने के लिए सभा भी है कि अगर जीबीसी उनको लग रहा है कि जीबीसी गलत जा रही है तो जीबीसी के पास जो है ये बात जो जो है वो अपनी तजवीज जो है पेश कर सकती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जितना पॉसिबल है चेक एंड बैलेंस सिस्टम बनाया हुआ। मैं दो तीन जगह से हाथ देख रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ करके। हमारा टॉपिक तो खत्म हो गया है आज, इससे आगे तो जा नहीं सकेंगे, वक्त भी पूरा हो गया। हरे कृष्णा, मैं ले लेता हूँ। हाँ, ये ना जो लोग हरे कृष्णा बोलते ना हाथ खड़ा, प्रियावल्ली माँ जी ने हाथ खड़ा किया हुआ, एक मिनट। जी 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 प्रभु जी, जी भगवान पुरुषोत्तम कौन प्रभु है क्या? जी 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 प्रभु जी फरमाइए। हाँ प्रभु जी, मैं काफी जगह पढ़ा जीबीसी के बारे में, वहां पर लिखा है The ultimate managing authority. बिल्कुल। प्रभुपाद जी ने इनको complete authorize, मतलब अपनी पूरी authority, ultimate इनको, managing authority है। जी जी प्रभु जी। Ultimate spiritual authority नहीं है। नहीं नहीं प्रभु जी, बिल्कुल नहीं। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था, इनको मतलब दूसरी सभा बनाने की क्या जरूरत है? वो एज एडवाइजरी अपनी एक मिनिस्ट्री बना सकती है। एडवाइजरी एडवाइजरी मिनिस्ट्री बना सकती है, बना सकते हैं ना? मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं। एक मिनिस्ट्री का मतलब वो परमानेंट काम करती है। जी जी। सभा जो है, जब सभा को लगता है कि कोई चीज जीबीसी के सामने लाने की जरूरत है, तब तो इट्स लाइक मोर लाइक ए कमिटी। जी जी। कमिटी थोड़ा सा टेम्पररी होता है। अच्छा अच्छा प्रभु जी, मैं एक और चीज यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता था, वो ये थी कि आपने कहा ना कि गुरु क्यों जीबीसी के अंडर काम करे, क्योंकि प्रभु जी मुझे ऐसा लगा कि जीबीसी जो है वो सिस्टम है और गुरु जो है एक पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी चेंज होती रहेगी, सिस्टम चेंज नहीं होगा। एग्जैक्टली यही है। तो ये ठीक है ना प्रभु जी? बिल्कुल सही पकड़ा, एग्जैक्टली यही है, क्योंकि गुरु आते जाते रहेंगे। हरे कृष्ण। पर जीबीसी एज ए बॉडी हमेशा रहेगी, जब तक इस्कॉन रहेगा तो जीबीसी एज ए बॉडी रहेगी, गुरु जो आते जाते रहेंगे। तो बिल्कुल टाइम ना बहुत ज्यादा हो गया, मैं क्या कितना आगे खींचू, मैं रोहिणी ने तो मैं देख तो लिया आपको, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं आगे मतलब प्रियावल्ली माँ जी ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है, प्रियावल्ली बाबू जी से ले लीजिए। चलो माँ जी, आप अपनी बात मुख्तसर मुकम्मल कीजिएगा। मतलब इस चार्ट से तो ये बहुत अच्छा है, हमें लगता है कि जो आखिर वाला व्यक्ति है या जिसे हम ग्रस्त भक्त हैं, वो एकदम प्रोटेक्शन, उनको एक प्रोटेक्शन शील्ड मिला हुआ है कि आप कहीं से भी है ना, ऐसा नहीं आपके कहीं अगर कहीं से मिस्टेक हो रही है तो आपको कोई, आपने मेरा लेसन प्लान देखा हुआ है क्या पहले से? नहीं। मैं तो ये सवाल पूछने लगा था, ये देखा आपको अपने मुझे ये लगा कि भाई हम तो प्रोटेक्ट हैं, भाई ऊपर से बहुत कोई है हमें संभालने वाले। सच बात है, ये इसीलिए बनाया गया कि डिवोटीज को जितना प्रोटेक्ट किया जा सके। एक्चुअली चार्ट मेरे लेसन प्लान का हिस्सा है, मैं सवाल पूछता हूँ, ये चार्ट देख के आपको आपको इस्कॉन में रहना कैसा लग रहा है? सुरक्षित लग रहा है। सुरक्षित है ना बंदा जो है, कम जितना हो सकता है। अब इसके बावजूद भी हो जाते हैं, हाथ से होते हैं, इसके बावजूद भी होते हैं, तो आप सोचें अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा? तो यही है कि कोशिश है इसको जितना जो है बेहतर बना सके, इसको इम्प्लीमेंटेशन का जितना भी हम कर सके, तो वो इस तरीके से ठीक है। तो आज हम यहीं पे जो है यहीं पे हम खत्म करते हैं। प्रभु इसको ऐसे समझे, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है, अगर फादर बिजी हैं तो चाचा हैं, और बहुत सारे चाचा भी हैं तो किसी से भी फायदा, अब अबू बिजी हैं बिजनेस की वजह से तो चाचा से रेनमाई ले ली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और पापा की शिकायत चाचा जी से और दादा जी से की जा सकती है। जी जी जी, ये बहुत जॉइंट फैमिली सिस्टम है। जी जी ब्रो, ठीक है ब्रो। हरे कृष्णा, मैं कह रहा था कि रेनमाई चाचा वगैरह से ले सकते हैं, लेकिन डिसीजन दादा ही लेंगे। दादा लेंगे, और पिताजी बाप का रोल कोई और अदा नहीं कर सकता, बाप मेरा बाप रहेगा। ऐसा नहीं कि हाँ, ऐसा नहीं कि मैं चाचा मामा सब लोग हैं, सबकी अपनी अहमियत है, मगर बाप बाप है, यानी कि गुरु गुरु है, और हमारा जो खानदान है वो प्रभुपाद की निगरानी में, वो हमारे खानदान के जो है मुखिया है। जी प्रभु जी भी ये दिस इज द आइडेंटिटी जिसके साथ हम सब इकट्ठे रह सकते हैं। प्रभुपाद आश्रय के तहत जो है हम सब अपने अपने गुरुओं का आश्रय लेके रह सकते हैं। ठीक है, तो हम आज यहीं पे जो है यहीं पे हम यहाँ पे खत्म करते हैं, थोड़ा ओवर टाइम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए।
कल भी हमारा सुबह है, परसों से शायद ही शाम को चला जाएगा। नहीं नहीं प्रभु जी, कल से शाम को होगा ना, कल से शाम को है कि परसों से शाम को है? कल से शाम को है। तो कल से की है, कल से की है, बस ठीक है, ठीक है, कल से आ जाएंगे। निशांत कल से है ना? हाँ 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 प्रभु जी, कल ध्यान है ना। ओके तो आप ले लेना। अच्छा सुनिए, ऐसा है कि कल से, क्योंकि हम शाम को जाएंगे, तो ये वाली आईडी है, ये वाली आईडी जो है अब हम बंद कर देंगे, एक नया आईडी भेजेंगे जो शाम वाली आईडी होगी। यस यस प्रभु जी, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में निशांत प्रभु जो है भेज देंगे नीता माता जी को, और वो सबको मुहैया करा देंगी। तो कल शाम से जो है आप लोग उस पर लॉग इन कीजिएगा। कितने बजे प्रभु जी? यही एम का पीएम हो जाएगा बस, 7:30 से 9:30 जो था वो 7:30, सॉरी 7 से 9 एएम था, अब 7 से 9 पीएम हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान टाइम या पाकिस्तान टाइम या पाकिस्तान टाइम 7, पाकिस्तान टाइम 7, हमारा 7:30। थैंक यू प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु, प्रभु आज होगा या कल होगा? हरे कृष्णा प्रभु, कल 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 शाम से, कल शाम धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।